बाहुबली के बाद से ही हम प्रभास की जितने भी फिल्में देखते आ रहे हैं वो सारी हाई बजट की और काफ़ी ज़्यादा एक अलग जोनर की अलग सिनेमाटोग्राफी की फिल्में देखते हुए नज़र आ रहे हैं जहां पर वी की बात की जाए तो काफ़ी दमदार देखने के लिए मिल रहा है फिल्म के मेकर्स फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं नहीं नहीं फिल्मों के बजट भी काफ़ी ज़्यादा हाई बजट वाले देखने के लिए मिल रहे हैं फिल्म के मेकर अब अलवर्ज़ प्रभास से यही उम्मीद करते हैं कि वो जितनी भी उसकी फिल्में आएंगी वो सारी ब्लॉकबस्टर होंगी इसीलिए अब प्रभास साउथ इंडस्ट्री के सबसे चहीते जाने जाने वाले फिल्म मेकर्स का सबसे चहीते अब प्रभास हो गए हैं उन्हें लगता है कि अब जो भी फ़िल्में बनेंगी वो सारी प्रभास के ऊपर बनाई जाएं तो सारी सफल होने वाली हैं जी दोस्तों एक टाइम था जब हॉमले फिल्म के द्वारा कैजीएफ फिल्म को लाया गया कैजीएफ़ चैप्टर फर्स्ट जो कि दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाइप बनाए हुए रहा और दर्शकों के लिए भी कैजीएफ़ चैप्टर फर्स्ट काफ़ी ज़्यादा खुशहाल रहा और दर्शकों को एंटरटेन करते हुए नज़र आया इतना ही नहीं फिल्म के दीवाने काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए और फिल्म ने अच्छी खासी कमाई भी की और फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने भी दमदार अपना अपने इस डायरेक्शन का कमाल दिखाए और फिल्म को बेहतरीन तरीके से सिनेमा घरों के अंदर लाए उसके बाद से ही यश के यश से भी अब उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई हैं उसके फैंस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं यश भी अब सुपरस्टार स्टार यश कह कहने लग गए हैं और उसकी कै चैप्टर फर्स्ट के सक्सेसफुल हो जाने के बाद कै चैप्टर टू देखने के लिए मिली जिसने कै चैप्टर टू ने भी सिनेमाघरों के अंदर खूब बवाल काटा साथ ही फ़िल्म के अंदर हमें बॉलीवुड के जाने पहचाने हीरो अपने अदाकारी या अपने विलन अंदाज में प्रसिद्ध रहने वाले रील हो संजय दत्त भी देखने के लिए मिले विलन के तौर पर जिसकी वजह से फिल्म की हाइप और भी ज़्यादा बढ़ गई और इतना ही नहीं साउथ के अलावा मूवी को मलयालम तेलुगू हर और हिंदी भाषा के अंदर हर जगह फिल्म को पसंद किया गया काफ़ी दिनों तक फिल्म के सिनेमा घर हाउसफुल चलने लगे और फिल्म को हर तरीके से फैलाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दबा कर किया गया फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा खासा किया गया जहां पर यश ने भी खूब भाग निभाया और संजय दत्त के प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा साथ ही संजय दत्त का कॉस्ट्यूम भी फ़िल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा जिसको पहनने उतारने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा हैवी इस गेटअप के साथ मूवी के अंदर संजय दत्त ने जो अभिनय किया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है मूवी की बात की जाए तो अब उस, उसी डायरेक्टर द्वारा उसी जोनर उसी सिनेमाटोग्राफी के अंदर बनाने की पेशकश प्रशांत नील ने पहले ही कर दी थी फ़िल्म का बजट हाई रखा गया था और प्रशांत नील ने जब सालार मूवी के अनाउंसमेंट की तो दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि अब इस सालार मूवी का कनेक्शन हमें कैजियफ चैप्टर फर्स्ट और कैजियफ चैप्टर टू से देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि प्रशांत नील ने जिस हद तक देखा जाए फिल्म को तो सालार को जिस हद तक हम देखते हैं तो फिल्म को ऐसा ही लगता है कि फिल्म कैजियफ का ही पार्ट है उसी तरीके का हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के हमें विलन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके की सिनेमाटोग्राफी उसी अंदाज़ में भी फिल्म की एडिटिंग और उसी अंदाज़ में फिल्म की सीनेमाटोग्राफी के साथ साथ कलर ग्राइंडिंग भी उसी उसी फ्रेम के अंदर रखी गई हैं उसी तरीके के डायलॉग हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगती है कैज चैटर फर्स्ट से और सालार की कहानी हमें कुछ हद तक सिमिलर ही लगती है क्योंकि दोनों फिल्मों के अंदर का किरदार है बेटा है जो माँ के कहने पर कुछ भी कर सकता है ऐसा ही किरदार हमें सालार मूवी के अंदर देखने के लिए मिलता है जो अपने दोस्त के लिए जान कुर्बान कर सकता है अपनी माँ के कहने पर हथियार त्याग देता है इस तरीके का माँ का कहना मानने वाला प्रभास मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने अच्छी खासी मेहनत की है वहीं परबास से उसके फैंस थोड़े से नाखुश नजर आते हैं क्योंकि उसके डायलॉग बोलने में कुछ ज़्यादा नहीं रखे गए हैं लिमिटेड डायलॉग दिए गए हैं और उसके फैंस जो प्रभास से उम्मीद कर रहे थे अपनी बोल चाल के इस हाव भाव पे काम करने के लिए वो हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है बहरहाल हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही दर्शकों की एक और शिकायत थी कि फिल्म को एडिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि फिल्म के अंदर अंधेरा ज़्यादा था फिल्म डार्क ज़्यादा बना दी गई थी और फिल्म के सीन्स को समझने में फिल्म के दृश्य को देखने में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही ऐसे में फिल्म को समझने और फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या फैल रही और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की यह समस्या भी रही कि फ़िल्म के अंदर उजाला थोड़ा सा रखना चाहिए था फिल्म को एडिटिंग टेबल पर वी के टाइम पर फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत की जानी चाहिए थी जो कि फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है बात करें प्रभास के किरदार की तो प्रभास का किरदार काबिल तारीफ होता है अपने उसी स्वैग और एटीट्यूड के अंदाज़ में हमें प्रभास अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं देखा जाए तो फिल्म के का जो हाइप थी वो फिल्म ने पूरा करती है लेकिन कहीं कहीं दर्शकों के दिल पर कचोट भी करते हुए नज़र आती है क्योंकि प्रभास से जो उम्मीदें थी उसके फैंस के द्वारा उसके फैंस की उम्मीदों पर प्रभास खरा नहीं उतरते हैं बल्कि प्रशांत नील की बात की जाए तो प्रशांत नील ने जो मेहनत कै जी एफ़ चैप्टर फर्स्ट के अंदर की कै जी एफ चैप्टर टू के अंदर की वो उसी तरह की मेहनत के साथ प्रशांत नील अपनी सालार मूवी के अंदर भी देखने के लिए मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और बेहतरीन दमदार डायरेक्शन से अपने दर्शकों को खुश करते हुए नज़र आते हैं ज्यादा दोस्तों प्रभास पा के सालार फर्स्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और सिनेमाघरों के अंदर फिल्म ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन किया ऐसे में फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने अब फिल्म का पार्ट टू रिलीज़ करने की घोषणा की है बहरहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसके अलावा फिर फिर ब्याज के फैंस हो या फिर सालार पार्ट वन के फैंस हो तो इस पार्ट टू का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पहले ही पता था कि फ़िल्म को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर बनाएंगे जहां पर फिल्म का नाम पहले से ही सालार पार्ट वन रख दिया गया था अब सालार पार्ट टू हमें देखने के लिए मिलेगा सालार पार्ट वन फायर मूवी का नाम रखा गया था पार्ट टू देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर प्रभास और भी ज़्यादा खोखा अवतार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही दर्शकों द्वारा यह अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रभास के कनेक्शन प्रभास के यानी कि सालार पार्ट टू मूवी के कनेक्शन हो सकता है कि हमें के चैप्टर फर्स्ट हो या फिर कै चैप्टर टू से जुड़ते हुए दिखाई दें क्योंकि यह उम्मीद के साल आर पार्ट वन से भी रखी गई थी लेकिन दर्शकों द्वारा कहीं पर भी तालमेल होता हुआ नज़र नहीं आया इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हो सकता है कि फिल्म को अच्छी खासी हाइप बनाने के लिए देखा जाए तो इन दिनों अब फ्रेंचाइजीज का ज़माना है जैसा कि हॉलीवुड के अंदर देखा जाता था फ्रेंचाइज के तौर एवेंजर्स के अंदर हमें तमाम सुपर स्टार सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिल गए थे इसी तरह की बॉलीवुड के अंदर भी हमें पठान टाइगर और वार मूवी की फ्रेंचाइजी भी देखने के लिए मिल गई है कॉम्बो हमें फ़िल्मों के अंदर अब देखने के लिए मिलेंगे ऐसे में दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं फिल्म के मेकर्स की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है क्योंकि सारे हीरोज़ के फैंस हों तो एक साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं तो घरों के अंदर और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है और फिल्में देखने के दीवाने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं इंटरटेनमेंट का डोज ज़्यादा मिल जाता है और इंटरटेनमेंट चारों तरफ से देखने के लिए मिल जाता है ऐसे में अब हो सकता है कि प्रशांत नील दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हो सकता है कि अब प्रशांत नील अपनी फ्रेंचाइजी बना सकें और अपनी एक नई फ्रेंचाइजी बनाकर वो कैजी एफ ओ के यश और सालार के सुपरस्टार प्रभास को एक साथ में लेकर कोई कॉम्बिनेशन बैठा सके अगर ऐसा होता है तो दोनों के फ़ैंस प्रभास और यश के फैंस के लिए एक सौगात से कम नहीं होगा और दोनों ही फैंस दोनों के फैंस जब फिल्म देखेंगे तो ताबड़तोड़ कमाई भी करेंगी फिल्में अच्छी खास हाई भी बनाएँगे और दर्शकों द्वारा प्यार खूब लुटाएंगी प्यार लुटाएंगे साथ ही फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी करते हुए नजर आ सकती हैं जी हाँ दोस्तों प्रभास की सालार पार्ट वन मूवी के डायरेक्टर रहे प्रशांत नैल काफ़ी दमदार तरीके से अदाकारी अपने डायरेक्शन का कमाल जादू दिखाते हुए नजर आते हैं फिल्मों के माध्यम से वहीं फिल्म को लिखा भी प्रशांत ने नहीं है देखा जाए तो डायरेक्शन के तौर पर तो अपनी छाप छोड़ते ही हैं और लेखन के माध्यम से भी प्रशांत नील कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अच्छी खासी तरीके से प्रशांत नील अपनी फिल्म को लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं फिल्म के डायलॉग लिखे गए हैं संदीप रेड्डी बंदला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विजय किरंगा धुर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है फिल्म के अंदर स्टार कास्ट के तौर पर आपको जाने माने चेहरे मैं लीड रोल के अंदर नजर आ जाते हैं पृथ्वीराज सुकुमरन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो किसने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया हुआ है और अच्छे खासे कलाकार अभिनेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं पृथ्वीराज सुकुमारन के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हैं ऐसे में प्रशांत पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए हैं इसके अलावा मूवी के अंदर हमें श्रुति हसन अभिनेत्री का अभिनय करते हुए और बॉबी सिम्हा जगपति बाबू श्रिया रेड्डी हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो फिर सिनेमाटोग्राफी हमें भुवन गोड़ा के द्वारा देखने के लिए मिल जाती है भुवन गोड़ा ने फिल्म के सिनेमाटोग्राफी के अंदर अच्छी खासी मेहनत की है और अच्छी खासी तरीके से फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को सक्सेसफुल बनाया है फिल्म को एडिट है उज्वल कुलकरणी के द्वारा किया गया नई मूवी फिल्म मूवी के अंदर हमें म्यूज़िक रवि बसरूर ने दिया है फिल्म के प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मूवी के अंदर हॉमले फिल्म्स के अंदर प्रोडक्शन कंपनी देखने के लिए मिल जाती है मूवी को 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था नए मूवी के हम लैंग्वेज की बात की जाए तो मूवी को तेलगू हिंदी के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था मलयालम के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था कि फिल्म का बजट लगभग 270 करोड़ रुपए रखा गया था ऐसा में फिल्म के मेकर्स के आमने सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से फिल्म का बजट निकालें और फिल्म को सक्सेसफुल बनाएं इसीलिए आम तौर पर जब भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म रिलीज़ होती हैं तो हर भाषा में ही रिलीज़ होती हैं ताकि हर भाषा के हर क्षेत्र के लोग फिल्म देख सकें और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़ तोड़ कमाई भी कर सकें वहीं मूवी का बजट हमें 270 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आल लैंग्वेज के अंदर लगभग 700 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर कर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही और तमाम फैंस के द्वारा फिल्म को पसंद किया गया और बढ़ चढ़ कर हिस्सों में दर्शकों ने फिल्म को प्यार दिया और सिनेमा घरों तक जाकर फिल्म देखने के लिए पहुंचे। फ़िल्म की कहानी के ऊपर थोड़ा सा फ़ोकस किया जाए तो फिल्म की कहानी दो दोस्तों की होती है जो एक दूसरे के लिए जान भी नौछवर कर सकते हैं एक दूसरे के लिए जब भी आँच आती है तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुज़रने वाली इस दोस्ती का अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दो दोस्त होते हैं जो कि भी कुछ भी कर सकते हैं फिल्म के अंदर दोस्ती के अटूट प्रेम को दिखाया गया है फिल्म के अंदर देवा है मूवी के अंदर देवा का किरदार प्रभास ने और रुद्र का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है बचपन में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराते हैं यही वजह है कि जब कोई अपने उनके दोस्ती की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखता है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं इसी वजह से इन्हें बचपन में एक दूसरे से जुदा होना पड़ा जाता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है कहानी अब आगे बढ़ती है और मूवी के अंदर अब नए नए टर्न एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं कहानी आगे बढ़ती है और दर्शक कहानी से जुड़ाव फील करने चलते हैं इतना ही नहीं साउथ के अलावा मूवी को मालयालम तेलुगु हर और हिंदी भाषा के अंदर हर जगह फिल्म को पसंद किया गया काफ़ी दिनों तक फिल्म के सिनेमा घर हाउसफुल चलने लगे और फिल्म को हर तरीके से फैलाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दबा कर किया गया फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा खासा किया गया जहाँ पर यश ने भी खूब भाग निभाए और संजय दत्त के प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा साथ ही संजय दत्त का कॉस्ट्यूम भी फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा जिसको पहनने उतारने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा हैवी इस गेटअप के साथ मूवी के अंदर संजय दत्त ने जो अभिनय किया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है मूवी की बात की जाए तो अब उस, उसी डायरेक्टर द्वारा उसी जोनर और उसी सिनेमाटोग्राफी के अंदर बनाने की पेशकश प्रशांत नील ने पहले ही कर दी थी फिल्म का बजट हाई रखा गया था और प्रशांत नील ने जब सालार मूवी के अनाउंसमेंट की तो दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि अब इस सालार मूवी का कनेक्शन हमें कैजीएफ़ चैप्टर फर्स्ट और कैजीएफ़ चैप्टर टू से देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि प्रशांत नील ने जिस हद तक देखा जाए फिल्म को तो सालार को जिस हद तक हम देखते हैं तो फिल्म को ऐसा ही लगता है कि फिल्म कैजीएफ़ का ही पार्ट है उसी तरीके का हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के हमें विलन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके की सिनेमाटोग्राफी उसी, उसी अंदाज में भी फिल्म की एडिटिंग और उसी अंदाज़ में फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ कलर ग्राइंडिंग भी उसी उसी फ्रेम के अंदर रखी गई है उसी तरीके के डायलॉग हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगती है कैज फर्स्ट से और सालार की कहानी हमें कुछ हद तक सिमिलर ही लगती है क्योंकि दोनों फिल्मों के अंदर माँ का किरदार है बेटा है जो माँ के कहने पर कुछ भी कर सकता है ऐसा ही किरदार हमें सालार मूवी के अंदर देखने के लिए मिलता है जो अपने दोस्त के लिए जान कुर्बान कर सकता है अपनी माँ के कहने पर वह हथियार त्याग देता है इस तरीके का माँ का कहना मानने वाला प्रबाज मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी करते हुए नजर आते हैं जहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने अच्छी खासी मेहनत की है वहीं प्रभास से उसके फैंस थोड़े से नाखुश नज़र आते हैं क्योंकि उसके डायलॉग बोलने में कुछ ज़्यादा नहीं रखे गए हैं लिमिटेड डायलॉग दिए गए हैं और उसके फैंस जो प्रभास से उम्मीद कर रहे थे अपनी बोल चाल के इस हाव भाव पे काम करने के लिए वो हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है बहरहाल हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही दर्शकों की एक और शिकायत थी कि फिल्म को एडिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि फिल्म के अंदर अंधेरा ज़्यादा था फिल्म डार्क ज़्यादा बना दी गई थी और फिल्म के सीन्स को समझने में फिल्म के दृश्य को देखने में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही ऐसे में फिल्म को समझने और फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या फैला रही और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की यह समस्या भी रही कि फिल्म के अंदर उजाला थोड़ा सा रखना चाहिए था फिल्म को एडिटिंग टेबल पर वी एफ के टाइम पर फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत की जानी चाहिए थी जो कि फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है बात करें प्रभास के किरदार की तो प्रभास के किरदार काबिल तारीफ होता है अपने उसी स्वैग और एटीट्यूड के अंदाज़ में हमें प्रभास अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं देखा जाए तो फिल्म के का जो हाइप थी वो फिल्म ने पूरा करती है लेकिन कहीं कहीं दर्शकों के दिल पर कचोट भी करते हुए नज़र आती है क्योंकि प्रभास से जो उम्मीदें थी उसके फैंस के द्वारा उसके फैंस की उम्मीदों पर प्रभास खड़ा नहीं उतरते हैं बल्कि प्रशांत नील की बात की जाए तो प्रशांत नील ने जो मेहनत कैशियफ़ चैप्टर फर्स्ट के अंदर की कैज़ चैप्टर टू के अंदर की वो उसी तरह की मेहनत के साथ प्रशांत नील अपनी सालार मूवी के अंदर भी देखने के लिए मेहनत करते हुए नजर आते हैं और बेहतरीन दमदार डायरेक्शन से अपने दर्शकों को घोष करते हुए नजर आते हैं ज्यादा दोस्तों प्रभास पा के सालार फर्स्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और सिनेमा घरों के अंदर फिल्म ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन किया ऐसे में फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने या फिल्म का पार्ट टू रिलीज करने की घोषणा की है बहरहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसके अलावा प्रभास के फैंस हो या फिर सालार पार्ट वन के फैंस हों तो इस पार्ट टू का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पहले ही पता था कि फ़िल्म को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर बनाएंगे जहाँ पर फिल्म का नाम पहले से ही सालार पार्ट वन रख दिया गया था अब सालार पार्ट टू हमें देखने के लिए मिलेगा सालार पार्ट वन फायर मूवी का नाम रखा गया था पार्ट टू देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर प्रभास और भी ज़्यादा खोखा अवतार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही दर्शकों द्वारा ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रभास के कनेक्शन प्रभास के यानी कि सालार पार्ट टू तो मूवी के कनेक्शन हो सकता है कि हमें कै चैप्टर फर्स्ट हो या फिर कै चैप्टर टू से जुड़ते हुए दिखाई दें क्योंकि ये उम्मीद के सालार पार्ट वन से भी रखी गई थी लेकिन दर्शकों द्वारा कहीं पर भी तालमेल होता हुआ नज़र नहीं आया इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हो सकता है कि फिल्म को अच्छी खासी हाइप बनाने के लिए देखा जाए तो इन दिनों अब फ्रेंचाइजीज का ज़माना है जैसा कि हॉलीवुड के अंदर देखा जाता था फ्रेंचाइज के तौर एवेंजर्स के अंदर हमें इसका तमाम सुपर स्टार सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिल गए थे इसी तरह की क्या बॉलीवुड के अंदर भी हमें पठान टाइगर और वार मूवी की फ्रेंचाइजी भी देखने के लिए मिल गई है कॉम्बो हमें फ़िल्मों के अंदर अब देखने के लिए मिलेंगे ऐसे में दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं फिल्म के मेकर्स की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है क्योंकि सारे हीरोज़ के फ़ैंस हों तो एक साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं तो सिनेमा घरों के अंदर और भी ज़्यादा मवा मज़ा आ जाता है और फिल्में देखने के दीवाने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं इंटरटेनमेंट का डोज ज़्यादा मिल जाता है और इंटरटेनमेंट चारों तरफ से देखने के लिए मिल जाता है ऐसे में अब हो सकता है कि प्रशांत नील दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हो सकता है कि अपर साथ नील अपनी फ्रेंचाइजी बना सकें और अपनी एक नई फ्रेंचाइजी बनाकर वो ओ के सुपर स्टार यश और सालार के सुपर स्टार को एक साथ में लेकर कोई कॉम्बिनेशन बैठा सकें अगर ऐसा होता है तो दोनों के फैंस प्रभास और सास के फैंस के लिए एक सौगात से कम नहीं होगा और दोनों ही फैंस दोनों के फैंस जब फिल्म देखेंगे तो ताबड़तोड़ तोड़ कमाई भी करेंगी फिल्में अच्छी खास हाई भी बनाएंगी और दर्शकों द्वारा प्यार खूब लुटाएंगी प्यार लुटाएंगे साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी करते हुए नज़र आ सकती हैं जी हाँ दोस्तों प्रभास की सालार पार्ट वन मूवी के डायरेक्टर रहे प्रशांत नैल काफ़ी दमदार तरीके से अदाकारी अपने डायरेक्शन का कमाल जादू दिखाते हुए नजर आते हैं फिल्मों के माध्यम से वहीं फिल्म को लिखा भी प्रशांत नील नहीं है देखा जाए तो डायरेक्शन के तौर पर तो अपनी छाप छोड़ते ही हैं और लेखन के माध्यम से भी प्रशांत नील कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अच्छी खासे तरीके से प्रशांत नील अपने फिल्म को लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं फिल्म के डायलॉग लिखे गए हैं संदीप रेड्डी बंदला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विजय किरंगा धुर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है फिल्म के अंदर स्टार कास्ट के तौर पर आपको जाने माने चेहरे प्रभास मै लेड रोल के अंदर नज़र आ जाते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो इसने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया हुआ है और अच्छे खासे कलाकार अभिनेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं पृथ्वी राजसो के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हैं ऐसे में प्रसांत पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए हैं इसके अलावा मूवी के अंदर हमें श्रुति हसन अभिनेत्री का अभिनय करते हुए और बॉबी सिम्हा जगपति बाबू श्रिया रेड्डी हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं फिल्म के सीनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो सीनेमाटोग्राफी हमें भुवन गोड़ा के द्वारा देखने के लिए मिल जाती है भुवान गोड़ा ने फिल्म को सिनेमेटोग्राफी के अंदर अच्छी खासी मेहनत की है और अच्छी खासे तरीके से फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को सक्सेसफुल बनाया है फिल्म को एडिट है उज्वल कुलकर्णी के द्वारा किया गया है नई मूवी फिल्म मूवी के अंदर हमें म्यूज़िक रबी बसरूर ने दिया है फिल्म के प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मूवी के अंदर हॉमले फिल्म्स के अंदर प्रोडक्शन कंपनी देखने के लिए मिल जाती है मूवी को 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था कहीं मूवी के हम लैंग्वेज की बात की जाए तो मूवी को तेलुगु हिंदी के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था मलयालम के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 270 करोड़ रुपए रखा गया था ऐसा में फिल्म के मेकर्स के आमने सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से फिल्म का बजट निकालें और फिल्म को सक्सेसफुल बनाएं। इसीलिए आमतौर पर जब भी बड़े बड़े सुपर की फिल्म रिलीज़ होती हैं तो हर भाषा आगे में ही रिलीज़ होती हैं ताकि हर भाषा के हर क्षेत्र के लोग फिल्म देख सकें और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़ तोड़ कमाई भी कर सकें वहीं मूवी का बजट हमें 270 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आल लैंग्वेज के अंदर लगभग 700 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर कर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही और तमाम फैंस के द्वारा फिल्म को पसंद किया गया और बढ़ चढ़ कर हिस्सों में दर्शकों ने फिल्म को प्यार दिया और सिनेमाघरों तक जाकर फिल्म देखने के लिए पहुँचे फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो फिल्म की कहानी दो दोस्तों की होती है जो एक दूसरे के लिए जान भी नौछावर कर सकते हैं एक दूसरे के लिए जब भी आँच आती है तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली इस दोस्ती का अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दो दोस्त होते हैं जो कि भी कच भी कर सकते हैं फिल्म के अंदर दोस्ती के अटूट प्रेम को दिखाया गया है फिल्म के अंदर देवा है मूवी के अंदर देवा का किरदार प्रभास ने और रुद्र का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है बचपन में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराते हैं यही वजह है कि जब कोई अपने उनके दोस्ती की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखता है तो ये मरने मारने पर उतार हो जाते हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं इसी वजह से इन्हें बचपन में एक दूसरे से जुदा होना पड़ जाता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिप कर रहना पड़ता है कहानी अब आगे बढ़ती है और मूवी के अंदर अब नए नए टर्न एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं कहानी आगे बढ़ती है और दर्शक कहानी से जुड़ाव फील करने चलते हैं इतना ही नहीं साउथ के अलावा मूवी को मलयालम तेलुगू हर और हिंदी भाषा के अंदर हर जगह फिल्म को पसंद किया गया काफ़ी दिनों तक फिल्म के सिनेमा घर हाउसफुल चलने लगे और फिल्म को हर तरीके से फैलाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दबा कर किया गया फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा खासा किया गया जहां पर यश ने भी खूब भाग निभाए और संजय दत्त के प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा साथ ही संजय दत्त का कॉस्ट्यूम भी फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा जिसको पहनने उतारने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा हैवी इस गेटअप के साथ मूवी के अंदर संजय दत्त ने जो अभिनय किया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है मूवी की बात की जाए तो अब उस, उसी डायरेक्टर द्वारा उसी जोनर उसी सिनेमाटोग्राफी के अंदर बनाने की पेशकश प्रशांत नील ने पहले ही कर दी थी फिल्म का बजट हाई रखा गया था और प्रशांत नील ने जब सालार मूवी के अनाउंसमेंट की तो दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि अब इस सालार मूवी का कनेक्शन हमें कैजियफ चैप्टर फर्स्ट और कैजियफ चैप्टर टू से देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि प्रशांत नील ने जिस हद तक देखा जाए फिल्म को तो सालार को जिस हद तक हम देखते हैं तो फिल्म को ऐसा ही लगता है कि फिल्म कैजियफ का ही पार्ट है उसी तरीके का हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के हमें विलन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके की सिनेमाटोग्राफी उसी अंदाज़ में भी फिल्म की एडिटिंग और उसी अंदाज़ में फिल्म की सीनेमाटोग्राफी के साथ साथ कलर ग्राइंडिंग भी उसी उसी फ्रेम के अंदर रखी गई हैं उसी तरीके के डायलॉग हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगती है कैज चैटर फर्स्ट से और सालार की कहानी हमें कुछ हद तक सिमिलर ही लगती है क्योंकि दोनों फिल्मों के अंदर माका किरदार है बेटा है जो माँ के कहने पर कुछ भी कर सकता है ऐसा ही किरदार हमें सालार मूवी के अंदर देखने के लिए मिलता है जो अपने दोस्त के लिए जान कुर्बान कर सकता है अपनी माँ के कहने पर वह हथियार त्याग देता है इस तरीके का माँ का कहना मानने वाला प्रभाज मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने अच्छी खासी मेहनत की है वहीं पर से उसके फैंस थोड़े से नाखुश नजर आते हैं क्योंकि उसके डायलॉग बोलने में कुछ ज़्यादा नहीं रखे गए हैं लिमिटेड डायलॉग दिए गए हैं और उसके फैंस जो प्रभास से उम्मीद कर रहे थे अपनी बोल चाल की इस हाव भाव पे काम करने के लिए वो हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है बहरहाल हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही दर्शकों की एक और शिकायत थी कि फिल्म को एडिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि फिल्म के अंदर अंधेरा ज़्यादा था फिल्म डार्क ज़्यादा बना दी गई थी और फिल्म के सीन्स को समझने में फिल्म के दृश्य को देखने में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही ऐसे में फिल्म को समझने और फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या फैल रही और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की यह समस्या भी रही कि फिल्म के अंदर उजाला थोड़ा सा रखना चाहिए था फिल्म को एडिटिंग टेबल पर वी एफ एक्स के टाइम पर फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत की जानी चाहिए थी जो कि फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है बात करें प्रभास के किरदार की तो प्रभास का किरदार काबिल तारीफ होता है अपने उसी स्वैग और एटीट्यूड के अंदाज़ में हमें प्रभास अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं देखा जाए तो फ़िल्म के का जो हाइप थी वो फिल्म ने पूरा करती है लेकिन कहीं कहीं दर्शकों के दिल पर कचोट भी करते हुए नज़र आती है क्योंकि प्रभास से जो उम्मीदें थी उसके फ़ैंस के द्वारा उसके फैंस की उम्मीदों पर प्रभास खरा नहीं उतरते हैं बल्कि प्रशांत नील की बात की जाए तो प्रशांत नील ने जो मेहनत कै जी एफ चैप्टर फर्स्ट के अंदर की कैज़ चैप्टर टू के अंदर की वो उसी तरह की मेहनत के साथ प्रशांत नील अपनी सालार मूवी के अंदर भी देखने के लिए मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और बेहतरीन दमदार डायरेक्शन से अपने दर्शकों को खुश करते हुए नज़र आते हैं ज्यादा दोस्तों प्रभास पा के सालार फर्स्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और सिनेमाघरों के अंदर फिल्म ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन किया ऐसे में फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का पार्ट टू रिलीज़ करने की घोषणा की है बहरहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसके अलावा फिर फिर ब्याज के फैंस हो या फिर सालार पार्ट वन के फैंस हों तो इस पार्ट टू का इंतजार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पहले ही पता था कि फ़िल्म को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर बनाएंगे जहाँ पर फिल्म का नाम पहले से ही सालार पार्ट वन रख दिया गया था अब सालार पार्ट टू हमें देखने के लिए मिलेगा सालार पार्ट वन सीज फायर मूवी का नाम रखा गया था पार्ट टू देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर प्रभास और भी ज़्यादा खोखा अवतार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही दर्शकों द्वारा यह अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रभास के कनेक्शन प्रभास के यानी कि सालार पार्ट टू मूवी के कनेक्शन हो सकता है कि हमें क्या चैप्टर फर्स्ट हो या फिर कै चैप्टर टू से जुड़ते हुए दिखाई दें क्योंकि यह उम्मीद के साल पार्ट वन से भी रखी गई थी लेकिन दर्शकों द्वारा कहीं पर भी तालमेल होता हुआ नज़र नहीं आया इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हो सकता है कि फिल्म को अच्छी खासी हाइप बनाने के लिए देखा जाए तो इन दिनों अब फ्रेंचाइजीज का ज़माना है जैसा कि हॉलीवुड के अंदर देखा जाता था फ्रेंचाइज के तौर एवेंजर्स के अंदर हमें तमाम सुपर स्टार सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिल गए थे इसी तरह की क्या बॉलीवुड के अंदर भी हमें पठान टाइगर और वार मूवी की फ्रेंचाइजी भी देखने के लिए मिल गई है कॉम्बो हमें फ़िल्मों के अंदर अब देखने के लिए मिलेंगे ऐसे में दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं फिल्म के मेकर्स की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है क्योंकि सारे हीरोज़ के फैंस हों तो एक साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं तो घरों के अंदर और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है और फिल्में देखने के दीवाने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं इंटरटेनमेंट का डोज ज़्यादा मिल जाता है और इंटरटेनमेंट चारों तरफ से देखने के लिए मिल जाता है ऐसे में अब हो सकता है कि प्रशांत नील दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हो सकता है कि अब प्रशांत नील अपनी फ्रेंचाइजी बना सकें और अपनी एक नई फ्रेंचाइजी बनाकर वो कैजी एफ ओ के सुपर स्टार यश और सालार के सुपर स्टार प्रभाष को एक साथ लेकर कोई कॉम्बिनेशन बैठा सके अगर ऐसा होता है तो दोनों के फ़ैंस प्रभास और यश के फैंस के लिए एक सौगात से कम नहीं होगा और दोनों ही फैंस दोनों के फैंस जब फिल्म देखेंगे तो ताबड़तोड़ कमाई भी करेंगी फिल्में अच्छी खास हाई भी बनाएँगे और दर्शकों द्वारा प्यार खूब लुटाएंगी प्यार लुटाएंगे साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी करते हुए नज़र आ सकती हैं जी हाँ दोस्तों प्रभास की सालार पार्ट वन मूवी के डायरेक्टर रहे प्रशांत नील काफ़ी दमदार तरीके से अदाकारी अपने डायरेक्शन का कमाल जादू दिखाते हुए नज़र आते हैं फिल्मों के माध्यम से वहीं फिल्म को लिखा भी प्रशांत नील ने ही है देखा जाए तो डायरेक्शन के तौर पर तो अपनी छाप छोड़ते ही हैं और लेखन के माध्यम से भी प्रशांत नील कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अच्छी खासी तरीके से प्रशांत नील अपनी फिल्म को लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं फिल्म के डायलॉग लिखे गए हैं संदीप रेड्डी बंदला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विजय किरंगा धुर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है फिल्म के अंदर स्टार कास्ट के तौर पर आपको जाने माने चेहरे प्रभास मैं लीड रोल के अंदर नजर आ जाते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि उसने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया हुआ है और अच्छे खासे कलाकार अभिनेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं पृथ्वीराज सुकुमारन के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हैं ऐसा में प्रसाद पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए हैं इसके अलावा मूवी के अंदर हमें श्रुति हसन अभिनेत्री का अभिनय करते हुए और बॉबी सिम्हा जगपति बाबू श्रिया रेड्डी हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं फिल्म के सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो फिर सिनेमाटोग्राफी हमें भुवन गौड़ा के द्वारा देखने के लिए मिल जाती है भुवन गौड़ा ने फिल्म के सिनेमाटोग्राफी के अंदर अच्छी खासी मेहनत की है और अच्छी खासी तरीके से फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को सक्सेसफुल बनाया है फिल्म को एडिट उज्वाल कुलकरणी के द्वारा किया गया है नई मूवी फिल्म मूवी के अंदर हमें म्यूज़िक रबी बसरूर ने दिया है फ़िल्म के प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मूवी के अंदर हॉमले फिल्म के अंदर प्रोडक्शन कंपनी देखने के लिए मिल जाती है मूवी को 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था मूवी के हम लैंग्वेज की बात की जाए तो मूवी को तेलुगु हिंदी के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था मलयालम के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 270 करोड़ रुपए रखा गया था ऐसा में फिल्म के मेकर्स के आमने सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से फिल्म का बजट निकालें और फिल्म को सक्सेसफुल बनाएं। इसीलिए आम तौर पर जब भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म रिलीज़ होती हैं तो हर भाषा में ही रिलीज़ होती हैं ताकि हर भाषा के हर क्षेत्र के लोग फिल्म देख सकें और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़ तोड़ कमाई भी कर सकें वहीं मूवी का बजट हमें 270 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आल लैंग्वेज के अंदर लगभग 700 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर कर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही और तमाम फैंस के द्वारा फिल्म को पसंद किया गया और बढ़ चढ़ कर हिस्सों में दर्शकों ने फिल्म को प्यार दिया और सिनेमाघरों तक जाकर फिल्म देखने के लिए पहुँचे फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो फिल्म की कहानी दो दोस्तों की होती है जो एक दूसरे के लिए जान भी नौछावर कर सकते हैं एक दूसरे के लिए जब भी आँच आती है तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली इस दोस्ती का अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दो दोस्त होते हैं जो कि भी भी कर सकते हैं फिल्म के अंदर दोस्ती के अटूट प्रेम को दिखाया गया है फिल्म के अंदर देवा है मूवी के अंदर देवा का किरदार प्रभास ने और रुद्र का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है बचपन में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराते हैं यही वजह है कि जब कोई अपने उनके दोस्ती की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखता है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं इसी वजह से इन्हें बचपन में एक दूसरे से जुदा होना पड़ा जाता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है कहानी अब आगे बढ़ती है और मूवी के अंदर अब नए नए टर्न एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं कहानी आगे बढ़ती है और दर्शक कहानी से जुड़ाव फील करने चलते हैं इतना ही नहीं साउथ के अलावा मूवी को मलयालम तेलुगू हर और हिंदी भाषा के अंदर हर जगह फिल्म को पसंद किया गया काफ़ी दिनों तक तो फिल्म के सिनेमा घर हाउसफुल चलने लगे और फिल्म को हर तरीके से फैलाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दबा कर किया गया फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा खासा किया गया जहां पर यश ने भी खूब भाग निभाए और संजय दत्त के प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा साथ ही संजय दत्त का कॉस्ट्यूम भी फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा जिसको पहनने उतारने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा हैवी इस गेटअप के साथ मूवी के अंदर संजय दत्त ने जो अभिनय किया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है मूवी की बात की जाए तो अब उस, उसी डायरेक्टर द्वारा उसी जोनर उसी सिनेमाटोग्राफी के अंदर बनाने की पेशकश प्रशांत नील ने पहले ही कर दी थी फिल्म का बजट हाई रखा गया था और प्रशांत नील ने जब सालार मूवी के अनाउंसमेंट की तो दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि अब इस सालार मूवी का कनेक्शन हमें कैजीएफ़ चैप्टर फर्स्ट और कैजीएफ़ चैप्टर टू से देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि प्रशांत नील ने जिस हद तक देखा जाए फिल्म को तो सालार को जिस हद तक हम देखते हैं तो फिल्म को ऐसा ही लगता है कि फिल्म कैजीएफ़ का ही पार्ट है उसी तरीके का हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के हमें विलन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके की सिनेमाटोग्राफी उसी अंदाज़ में भी फिल्म की एडिटिंग और उसी अंदाज़ में फ़िल्म की सिनेमाटोग्राफी के साथ साथ कलर ग्राइंडिंग भी उसी उसी फ्रेम के अंदर रखी गई है उसी तरीके के डायलॉग हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगती है चैप्टर चैट्रोफ्ट से और सालार की कहानी हमें कुछ हद तक सिमिलर ही लगती है क्योंकि दोनों फिल्मों के अंदर माँ का किरदार है बेटा है जो माँ के कहने पर कुछ भी कर सकता है ऐसा ही किरदार हमें सालार मूवी के अंदर देखने के लिए मिलता है जो अपने दोस्त के लिए जान कुर्बान कर सकता है अपनी माँ के कहने पर वह हथियार त्याग देता है इस तरीक़े का माँ का कहना मानने वाला परबाज मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने अच्छी खासी मेहनत की है वहीं प्रभास से उसके फैंस थोड़े से नाखुश नजर आते हैं क्योंकि उसके डायलॉग बोलने में कुछ ज़्यादा नहीं रखे गए हैं लिमिटेड डायलॉग दिए गए हैं और उसके फैंस जो प्रभास से उम्मीद कर रहे थे अपनी बोल चाल के इस हाव भाव पे काम करने के लिए वो हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है बहरहाल हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही दर्शकों की एक और शिकायत थी कि फिल्म को एडिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि फिल्म के अंदर अंधेरा ज़्यादा था फिल्म डार्क ज़्यादा बना दी गई थी और फिल्म के सीन्स को समझने में फिल्म के दृश्य को देखने में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही ऐसे में फिल्म को समझने और फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या फैल रही और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की यह समस्या भी रही कि फ़िल्म के अंदर उजाला थोड़ा सा रखना चाहिए था फिल्म को एडिटिंग टेबल पर वी एफ एक्स के टाइम पर फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत की जानी चाहिए थी जो कि फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है बात करें प्रभास के किरदार की तो प्रभास का किरदार काबिल तारीफ होता है अपने उसी स्वैग और एटीट्यूड के अंदाज़ में हमें प्रबास अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं देखा जाए तो फिल्म के का जो हाइप थी वो फिल्म ने पूरा करती है लेकिन कहीं कहीं दर्शकों के दिल पर कचोट भी करते हुए नज़र आती है क्योंकि प्रभास से जो उम्मीदें थी उसके फैंस के द्वारा उसके फैंस की उम्मीदों पर प्रभास खड़ा नहीं उतरते हैं बल्कि प्रशांत नील की बात की जाए तो प्रशांत नील ने जो मेहनत कैशियफ चैप्टर फर्स्ट के अंदर की कैज़ चैप्टर टू के अंदर की वो इसी तरह की मेहनत के साथ प्रशांत नील अपनी सालार मूवी के अंदर भी देखने के लिए मेहनत करते हुए नजर आते हैं और बेहतरीन दमदार डायरेक्शन से अपने दर्शकों को खुश करते हुए नजर आते हैं ज्यादा दोस्तों प्रभासा के सालार फर्स्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और सिनेमा घरों के अंदर फिल्म ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन किया ऐसे में फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने या फिल्म का पार्ट टू रिलीज़ करने की घोषणा की है बहरहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसके अलावा प्रभास के फैंस हो या फिर सालार पार्ट वन के फैंस हों तो इस पार्ट टू का इंतजार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पहले ही पता था कि फ़िल्म को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर बनाएंगे जहाँ पर फिल्म का नाम पहले से ही सालार पार्ट वन रख दिया गया था अब सालार पार्ट टू हमें देखने के लिए मिलेगा सालार पार्ट वन फायर मूवी का नाम रखा गया था पार्ट टू देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर प्रभास और भी ज़्यादा खोखा अवतार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही दर्शकों द्वारा यह अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रभास के कनेक्शन प्रभास के यानी कि सालार पार्ट टू तो मूवी के कनेक्शन हो सकता है कि हमें कै चैप्टर फर्स्ट हो या फिर कै चैप्टर टू से जुड़ते हुए दिखाई दें क्योंकि यह उम्मीद के सालार पार्ट वन से भी रखी गई थी लेकिन दर्शकों द्वारा कहीं पर भी तालमेल होता हुआ नजर नहीं आया इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हो सकता है कि फिल्म को अच्छी खासी हाइप बनाने के लिए देखा जाए तो इन दिनों अब फ्रेंचाइजीज का ज़माना है जैसा कि हॉलीवुड के अंदर देखा जाता था फ्रेंचाइज के तौर एवेंजर्स के अंदर हमें इसका तमाम सुपर स्टार सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिल गए थे इसी तरह की क्या बॉलीवुड के अंदर भी हमें पठान टाइगर और वार मूवी की फ्रेंचाइजी भी देखने के लिए मिल गई है कॉम्बो हमें फ़िल्मों के अंदर अब देखने के लिए मिलेंगे ऐसे में दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिल्म के मेकर्स की भी अच्छी खासी हो जाती है क्योंकि सारे हीरोज़ के फैंस हों तो एक साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं तो सिनेमा घरों के अंदर और भी ज़्यादा मवा मजा आ जाता है और फिल्म देखने के दीवाने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं एंटरटेनमेंट का डोज ज़्यादा मिल जाता है और एंटरटेनमेंट चारों तरफ से देखने के लिए मिल जाता है ऐसे में अब हो सकता है कि प्रशांत नील दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हो सकता है कि साथ नील अपनी फ्रेंचाइजी बना सकें और अपनी एक नई फ्रेंचाइजी बनाकर वो ओ के सुपर स्टार और सालार के सुपर स्टार प्रभाष को एक साथ में लेकर कोई कॉम्बिनेशन बैठा सकें अगर ऐसा होता है तो दोनों के फैंस प्रभाष और यस के फैंस के लिए एक सौगात से कम नहीं होगा और दोनों ही फैंस दोनों के फैंस जब फिल्म देखेंगे तो ताबड़तोड़ तोड़ कमाई भी करेंगी फिल्में अच्छी खासी हाई भी बनाएंगी और दर्शकों द्वारा प्यार खूब लुटाएंगी प्यार लुटाएंगे साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी करते हुए नजर आ सकती हैं जी हाँ दोस्तों प्रभास की सालार पार्ट वन मूवी के डायरेक्टर रहे प्रशांत अनिल काफ़ी दमदार तरीके से अदाकारी अपने डायरेक्शन का कमाल जादू दिखाते हुए नज़र आते हैं फिल्मों के माध्यम से वहीं फिल्म को लिखा भी प्रशांत नील नहीं है देखा जाए तो डायरेक्शन के तौर पर तो अपनी छाप छोड़ते ही हैं और लेखन के माध्यम से भी प्रशांत नील कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अच्छी खासी तरीके से प्रशांत नील अपने फिल्म को लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं फिल्म के डायलॉग लिखे गए हैं संदीप रेड्डी बनला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विजय किरंगा धुर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है फिल्म के अंदर स्टार कास्ट के तौर पर आपको जाने माने चेहरे प्रभास मैं लेड रोल के अंदर नज़र आ जाते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि उसने अपने क्षेत्र में अच्छे खासा काम किया हुआ है और अच्छे खासे कलाकार अभिनेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं पृथ्वीराज सुकुमारन के फैंस भी काफ़ी अच्छे खासे हैं ऐसे में प्रशांत पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए हैं इसके अलावा मूवी के अंदर हमें श्रुति हसन अभिनेत्री का अभिनय करते हुए और बॉबी सिम्हा जगपति बाबू श्रिया रेड्डी हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं फिल्म के सैनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो सिनेमाटोग्राफी हमें भुवन गोड़ा के द्वारा देखने के लिए मिल जाती है भुवन गोड़ा ने फिल्म के सीनेमाटोग्राफी के अंदर अच्छी खासी मेहनत की है और अच्छी खासी तरीके से फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को सक्सेसफुल बनाया है फिल्म को एडिट उजवल कुलकरणी के द्वारा किया गया है नई मूवी फिल्म मूवी के अंदर हमें म्यूज़िक रवि बसरूर ने दिया है फिल्म के प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मूवी के अंदर हॉमले फ़िल्म के अंदर प्रोडक्शन कंपनी देखने के लिए मिल जाती है मूवी को 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था मूवी के हम लैंग्वेज की बात की जाए तो मूवी को तेलुगू हिंदी के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था मलयालम के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 270 करोड़ रुपए रखा गया था ऐसा में फिल्म के मेकर्स के आमने सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से फिल्म का बजट निकालें और फिल्म को सक्सेसफुल बनाएं। इसीलिए आमतौर पर जब भी बड़े बड़े सुपर की फिल्म रिलीज़ होती हैं तो हर भाषा में ही रिलीज़ होती हैं ताकि हर भाषा के हर क्षेत्र के लोग फिल्म देख सकें और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़ तोड़ कमाई भी कर सकें वहीं मूवी का बजट हमें 270 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आल लैंग्वेज के अंदर लगभग लग 700 लग करोड़ रुपए का कलेक्शन कर कर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही और तमाम फैंस के द्वारा फिल्म को पसंद किया गया और बढ़ चढ़ कर हिस्सों में दर्शकों ने फिल्म को प्यार दिया और सिनेमाघरों तक जाकर फिल्म देखने के लिए पहुँचे फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो फिल्म की कहानी दो दोस्तों की होती है जो एक दूसरे के लिए जान भी नौछावर कर सकते हैं एक दूसरे के लिए जब भी आँच आती है तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली इस दोस्ती का अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दो दोस्त होते हैं जो कि भी कच भी कर सकते हैं फिल्म के अंदर दोस्ती के अटूट प्रेम को दिखाया गया है फिल्म के अंदर देवा है मूवी के अंदर देवा का किरदार प्रभास ने और रुद्र का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है बचपन में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराते हैं यही वजह है कि जब कोई अपने उनके दोस्ती की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखता है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं इसी वजह से इन्हें बचपन में एक दूसरे से जुदा होना पड़ा जाता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है कहानी अब आगे बढ़ती है और मूवी के अंदर अब नए नए टर्न एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं कहानी आगे बढ़ती है और दर्शक कहानी से जुड़ाव फील करने चलते हैं इतना ही नहीं साउथ के अलावा मूवी गोपालम तेलुगु हर और हिंदी भाषा के अंदर हर जगह फिल्म को पसंद किया गया काफ़ी दिनों तक फिल्म के सिनेमा घर हाउसफुल चलने लगे और फिल्म को हर तरीके से फैलाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दबा कर किया गया फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा खासा किया गया जहाँ पर यश ने भी खूब भाग निभाए और संजय दत्त के प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा साथ ही संजय दत्त का कॉस्ट्यूम भी फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा जिसको पहनने उतारने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा हैवी इस गेटअप के साथ मूवी के अंदर संजय दत्त ने जो अभिनय किया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है मूवी की बात की जाए तो अब उस, उसी डायरेक्टर द्वारा उसी जोनर उसी सिनेमाटोग्राफी के अंदर बनाने की पेशकश प्रशांत नील ने पहले ही कर दी थी फिल्म का बजट हाई रखा गया था और प्रशांत नील ने जब सालार मूवी के अनाउंसमेंट की तो दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि अब इस सालार मूवी का कनेक्शन हमें कैजीएफ़ चैप्टर फर्स्ट और कैजीएफ़ चैप्टर टू से देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि प्रशांत नील ने जिस हद तक देखा जाए फिल्म को तो सालार को जिस हद तक हम देखते हैं तो फिल्म को ऐसा ही लगता है कि फिल्म कैजीएफ़ का ही पार्ट है उसी तरीके का हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के हमें विलन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके की सीनेटोग्राफ़ी उसी अंदाज़ में भी फिल्म की एडिटिंग और उसी अंदाज़ में फिल्म की सिनेटोग्राफी के साथ साथ कलर ग्राइंडिंग भी उसी उसी फ्रेम के अंदर रखी गई है उसी तरीके के डायलॉग हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगती है कैज चैटरफर्स्ट से और सालार की कहानी हमें कुछ हद तक सिमिलर ही लगती है क्योंकि दोनों फिल्मों के अंदर माँ का किरदार है बेटा है जो माँ के कहने पर कुछ भी कर सकता है ऐसा ही किरदार हमें सालार मूवी के अंदर देखने के लिए मिलता है जो अपने दोस्त के लिए जान कुर्बान कर सकता है अपनी माँ के कहने पर वो हथियार त्याग देता है इस तरीके का माँ का कहना मानने वाला प्रभास मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी करते हुए नजर आते हैं जहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने अच्छी खासी मेहनत की है वहीं प्रभात से उसके फैंस थोड़े से नाखुश नजर आते हैं क्योंकि उसके डायलॉग बोलने में कुछ ज़्यादा नहीं रखे गए हैं लिमिटेड डायलॉग दिए गए हैं और उसके फैंस जो प्रभास से उम्मीद कर रहे थे अपनी बोल चाल की इस हाव भाव पे काम करने के लिए वो हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है बहरहाल हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही दर्शकों की एक और शिकायत थी कि फ़िल्म को एडिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि फिल्म के अंदर अंधेरा ज़्यादा था फिल्म डार्क ज़्यादा बना दी गई थी और फिल्म के सीन्स को समझने में फिल्म के दृश्य को देखने में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही ऐसे में फिल्म को समझने और फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या फैल रही और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की यह समस्या भी रही कि फ़िल्म के अंदर उजाला थोड़ा सा रखना चाहिए था फिल्म को एडिटिंग टेबल पर वी के टाइम पर फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत की जानी चाहिए थी जो कि फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है बात करें प्रभास के किरदार की तो प्रभास के किरदार काबिल तारीफ होता है अपने उसी स्वैग और एटीट्यूड के अंदाज में हमें प्रभास अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं देखा जाए तो फिल्म के का जो हाइप थी वो फिल्म ने पूरा करती है लेकिन कहीं कहीं दर्शकों के दिल पर कचोट भी करते हुए नज़र आती है क्योंकि प्रभाष से जो उम्मीदें थी उसके फैंस के द्वारा उसके फैंस की उम्मीदों पर प्रभास खड़ा नहीं उतरते हैं बल्कि प्रशांत नील की बात की जाए तो प्रशांत नील ने जो मेहनत कैशियफ़ चैप्टर फर्स्ट के अंदर की कैशियफ़ चैप्टर टू के अंदर की वो उसी तरह की मेहनत के साथ प्रशांत नील अपनी सालार मूवी के अंदर भी देखने के लिए मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और बेहतरीन दमदार डायरेक्शन से अपने दर्शकों को खुश करते हुए नजर आते हैं ज्यादा दोस्तों प्रभास के सालार फर्स्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और सिनेमाघरों के अंदर फिल्म ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन किया ऐसे में फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का पार्ट टू रिलीज करने की घोषणा की है बहरहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसके अलावा प्रभास के फैंस हो या फिर सालार पार्ट वन के फैंस हों तो इस पार्ट टू का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पहले ही पता था कि फिल्म को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर बनाएंगे जहाँ पर फिल्म का नाम पहले से ही सालार पार्ट वन रख दिया गया था अब सालार पार्ट टू हमें देखने के लिए मिलेगा सालार पार्ट वन फायर मूवी का नाम रखा गया था पार्ट टू देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर प्रभास और भी ज़्यादा खोखा अवतार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही दर्शकों द्वारा यह अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रभास के कनेक्शन, प्रभास के यानी कि सालार पार्ट टू तो मूवी के कनेक्शन हो सकता है कि हमें कै चैप्टर फर्स्ट हो या फिर कै चैप्टर टू से जुड़ते हुए दिखाई दें क्योंकि यह उम्मीद के सालार पार्ट वन से भी रखी गई थी लेकिन दर्शकों द्वारा कहीं पर भी तालमेल होता हुआ नजर नहीं आया इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हो सकता है कि फिल्म को अच्छी खासी हाइप बनाने के लिए देखा जाए तो इन दिनों अब फ्रेंचाइजीज का ज़माना है जैसा कि हॉलीवुड के अंदर देखा जाता था फ्रेंचाइज के तौर एवेंजर्स के अंदर हमें तमाम सुपर स्टार सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिल गए थे इसी तरह की क्या बॉलीवुड के अंदर भी हमें पठान टाइगर और वार मूवी की फ्रेंचाइजी भी देखने के लिए मिल गई है कॉम्बो हमें फ़िल्मों के अंदर अब देखने के लिए मिलेंगे ऐसे में दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं फिल्म के मेकर्स की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है क्योंकि सारे हीरोज़ के फैंस हों तो एक साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं तो सिनेमा घरों के अंदर और भी ज़्यादा मवा मज़ा आ जाता है और फिल्म देखने के दीवाने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं एंटरटेनमेंट का डोज ज़्यादा मिल जाता है और एंटरटेनमेंट चारों तरफ से देखने के लिए मिल जाता है ऐसे में अब हो सकता है कि प्रशांत नील दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हो सकता है कि आप प्रशांत नील अपनी फ्रेंचाइजी बना सकें और अपनी एक नई फ्रेंचाइजी बनाकर वो कैज के सुपर स्टार यश और सालार के सुपर स्टार प्रभाष को एक साथ में लेकर कोई कॉम्बिनेशन बैठा सकें अगर ऐसा होता है तो दोनों के फैंस प्रभाष और सास के फैंस के लिए एक सौगात से कम नहीं होगा और दोनों ही फैंस दोनों के फैंस जब फिल्म देखेंगे तो ताबड़तोड़ तोड़ कमाई भी करेंगी फिल्में अच्छी खास हाई भी बनाएंगी और दर्शकों द्वारा प्यार खूब लुटाएंगी प्यार लुटाएंगे साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी करते हुए नज़र आ सकती हैं जी हाँ दोस्तों प्रभास की सालार पार्ट वन मूवी के डायरेक्टर रहे प्रशांत नैल काफ़ी दमदार तरीके से अदाकारी अपने डायरेक्शन का कमाल जादू दिखाते हुए नजर आते हैं फिल्मों के माध्यम से वहीं फिल्म को लिखा भी प्रशांत नील नहीं है देखा जाए तो डायरेक्शन के तौर पर तो अपनी छाप छोड़ते ही हैं और लेखन के माध्यम से भी प्रशांत नील कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अच्छी खासे तरीके से प्रशांत नील अपने फिल्म को लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं फिल्म के डायलॉग लिखे गए हैं संदीप रेड्डी बंदला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विजय किरंगा धुर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है फिल्म के अंदर स्टार कास्ट के तौर पर आपको जाने माने चेहरे प्रभास मै लेड रोल के अंदर नज़र आ जाते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि उसने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया हुआ है और अच्छे खासे कलाकार अभिनेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं पृथ्वीराज सुकुमारन के फैंस भी काफ़ी अच्छे खासे हैं ऐसा है में प्रशांत पृथ्वी राजसोकमारा ने भी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए हैं इसके अलावा मूवी के अंदर हमें श्रुति हसन अभिनेत्री का अभिनय करते हुए और बॉबी सिम्हा जगपति बाबू श्रिया रेड्डी हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं फिल्म के सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो सिनेमाटोग्राफी हमें भुवन गौड़ा के द्वारा देखने के लिए मिल जाती है भुवन गौड़ा ने फिल्म के सिनेमाटोग्राफी के अंदर अच्छी खासी मेहनत की है और अच्छी खासी तरीके से फिल्म की सिनेमेटोग्राफी को सक्सेसफुल बनाया है फिल्म को एडिट है उज्वल कुलकर्णी के द्वारा किया गया है नई मूवी फिल्म मूवी के अंदर हमें म्यूज़िक रवि बसरूरूर ने दिया है फिल्म के प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मूवी के अंदर हॉमले फिल्म्स के अंदर प्रोडक्शन कंपनी देखने के लिए मिल जाती है मूवी को 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था कहीं मूवी के हम लैंग्वेज की बात की जाए तो मूवी को तेलुगु हिंदी के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था मलयालम के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 270 करोड़ रुपए रखा गया था ऐसा में फिल्म के मेकर्स के आमने सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से फिल्म का बजट निकालें और फिल्म को सक्सेसफुल बनाएं। इसीलिए आमतौर पर जब भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म रिलीज़ होती हैं तो हर भाषा में ही रिलीज़ होती हैं ताकि हर भाषा के हर क्षेत्र के लोग फिल्म देख सकें और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़ तोड़ कमाई भी कर सकें वहीं मूवी का बजट हमें दो करोड़ रुपये देखने के लिए मिला और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आल लैंग्वेज के अंदर लगभग सात करोड़ रुपये का कलेक्शन कर कर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही और तमाम फैंस के द्वारा फिल्म को पसंद किया गया और बढ़ चढ़ कर हिस्सों में दर्शकों ने फिल्म को प्यार दिया और सिनेमाघरों तक जाकर फिल्म देखने के लिए पहुँचे फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो फिल्म की कहानी दो दोस्तों की होती है जो एक दूसरे के लिए जान भी नौछवर कर सकते हैं एक दूसरे के लिए जब भी आँच आती है तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली इस दोस्ती का अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दो दोस्त होते हैं जो कि भी कच भी कर सकते हैं फिल्म के अंदर दोस्ती के अटूट प्रेम को दिखाया गया है फिल्म के अंदर देवा है मूवी के अंदर देवा का किरदार प्रभास ने और रुद्र का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है बचपन में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराते हैं यही वजह है कि जब कोई अपने उनके दोस्ती की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखता है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं इसी वजह से इन्हें बचपन में एक दूसरे से जुदा होना पड़ जाता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है कहानी अब आगे बढ़ती है और मूवी के अंदर अब नए नए टर्न एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं कहानी आगे बढ़ती है और दर्शक कहानी से जुड़ाव फील करने चलते हैं इतना ही नहीं साउथ के अलावा मूवी को कोपालयालम तेलुगू हर और हिंदी भाषा के अंदर हर जगह फिल्म को पसंद किया गया काफ़ी दिनों तक फिल्म के सिनेमा घर हाउसफुल चलने लगे और फिल्म को हर तरीके से फैलाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दबा कर किया गया फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा खासा किया गया जहां पर यश ने भी खूब भाग निभाया और संजय दत्त के प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा साथ ही संजय दत्त का कॉस्ट्यूम भी फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा जिसको पहनने उतारने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा हैवी इस गेटअप के साथ मूवी के अंदर संजय दत्त ने जो अभिनय किया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है मूवी की बात की जाए तो अब उस, उसी डायरेक्टर द्वारा उसी जोनर उसी सिनेमाटोग्राफी के अंदर बनाने की पेशकश प्रशांत नील ने पहले ही कर दी थी फिल्म का बजट हाई रखा गया था और प्रशांत नील ने जब सालार मूवी के अनाउंसमेंट की तो दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि अब इस सालार मूवी का कनेक्शन हमें कैजियफ चैप्टर फर्स्ट और कैजियफ चैप्टर टू से देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि प्रशांत नील ने जिस हद तक देखा जाए फिल्म को तो सालार को जिस हद तक हम देखते हैं तो फिल्म को ऐसा ही लगता है कि फिल्म कैजियफ का ही पार्ट है उसी तरीके का हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के हमें विलन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके की सिनेमाटोग्राफी उसी अंदाज़ में भी फिल्म की एडिटिंग और उसी अंदाज़ में फिल्म की सीनेटोग्राफी के साथ साथ कलर ग्राइंडिंग भी उसी उसी फ्रेम के अंदर रखी गई हैं उसी तरीके के डायलॉग हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगती है कैजप चैटर फर्स्ट से और सालार की कहानी हमें कुछ हद तक सिमिलर ही लगती है क्योंकि दोनों फिल्मों के अंदर का किरदार है बेटा है जो माँ के कहने पर कुछ भी कर सकता है ऐसा ही किरदार हमें सालार मूवी के अंदर देखने के लिए मिलता है जो अपने दोस्त के लिए जान कुर्बान कर सकता है अपनी माँ के कहने पर वह हथियार त्याग देता है इस तरीक़े का माँ का कहना मानने वाला प्रबाज मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर फिल्म के मेकरस ने अच्छी खासी मेहनत की है वहीं पर बाज़ से उसके फैंस थोड़े से नाखुश नजर आते हैं क्योंकि उसके डायलॉग बोलने में कुछ ज़्यादा नहीं रखे गए हैं लिमिटेड डायलॉग दिए गए हैं और उसके फैंस जो प्रभास से उम्मीद कर रहे थे अपनी बोल चाल के इस हाव भाव पे काम करने के लिए वो हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है बहरहाल हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही दर्शकों की एक और शिकायत थी कि फिल्म को एडिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि फिल्म के अंदर अंधेरा ज़्यादा था फिल्म डार्क ज़्यादा बना दी गई थी और फिल्म के सीन्स को समझने में फिल्म के दृश्य को देखने में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही ऐसे में फिल्म को समझने और फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या फैल रही और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की यह समस्या भी रही कि फिल्म के अंदर उजाला थोड़ा सा रखना चाहिए था फिल्म को एडिटिंग टेबल पर वी एफ एक्स के टाइम पर फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत की जानी चाहिए थी जो कि फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है बात करें प्रभास के किरदार की तो प्रभास का किरदार का तारीफ होता है अपने उसी स्वैग और एटीट्यूड के अंदाज़ में हमें प्रभास अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं देखा जाए तो फिल्म के का जो हाइप थी वो फिल्म ने पूरा करती है लेकिन कहीं कहीं दर्शकों के दिल पर कचोट भी करते हुए नज़र आती है क्योंकि प्रभास से जो उम्मीदें थी उसके फ़ैंस के द्वारा उसके फैंस की उम्मीदों पर प्रभास खरा नहीं उतरते हैं बल्कि प्रशांत नील की बात की जाए तो प्रशांत नील ने जो मेहनत कै जी चैप्टर फर्स्ट के अंदर की कै जी चैप्टर टू के अंदर की वो उसी तरह की मेहनत के साथ प्रशांत नील अपनी सालार मूवी के अंदर भी देखने के लिए मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और बेहतरीन दमदार डायरेक्शन से अपने दर्शकों को खुश करते हुए नज़र आते हैं ज्यादा दोस्तों प्रभास पा के सालार फर्स्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और सिनेमाघरों के अंदर फिल्म ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन किया ऐसा में फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का पार्ट टू रिलीज़ करने की घोषणा की है बहरहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसके अलावा फिर फिर ब्याज के फैंस हो या फिर सालार पार्ट वन के फैंस हों तो इस पार्ट टू का इंतजार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पहले ही पता था कि फ़िल्म को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर बनाएंगे जहाँ पर फिल्म का नाम पहले से ही सालार पार्ट वन रख दिया गया था अब सालार पार्ट टू हमें देखने के लिए मिलेगा सालार पार्ट वन फायर मूवी का नाम रखा गया था पार्ट टू देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर प्रबास और भी ज़्यादा खोखा अवतार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही दर्शकों द्वारा यह अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रबास के कनेक्शन प्रबास के यानी कि सालार पार्ट टू मूवी के कलेक्शन हो सकता है कि हमें कै चैप्टर फर्स्ट हो या फिर कै चैप्टर टू से जुड़ते हुए दिखाई दें क्योंकि यह उम्मीद के साल पार्ट वन से भी रखी गई थी लेकिन दर्शकों द्वारा कहीं पर भी तालमेल होता हुआ नज़र नहीं आया इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हो सकता है कि फिल्म को अच्छी खासी हाइफ बनाने के लिए देखा जाए तो इन दिनों अब फ्रेंचाइजीज का ज़माना है जैसा कि हॉलीवुड के अंदर देखा जाता था फ्रेंचाइज के तौर एवेंजर्स के अंदर हमें का तमाम सुपर स्टार सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिल गए थे इसी तरह की क्या बॉलीवुड के अंदर भी हमें पठान टाइगर और वार मूवी की फ्रेंचाइजी भी देखने के लिए मिल गई है कॉम्बो हमें फ़िल्मों के अंदर अब देखने के लिए मिलेंगे ऐसे में दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिल्म के मेकर्स की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है क्योंकि सारे हीरोज़ के फैंस हों तो एक साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं तो घरों के अंदर और भी ज़्यादा मवा मज़ा आ जाता है और फिल्में देखने के दीवाने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं इंटरटेनमेंट का डोज ज़्यादा मिल जाता है और इंटरटेनमेंट चारों तरफ से देखने के लिए मिल जाता है ऐसे में अब हो सकता है कि प्रशांत नील दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हो सकता है कि अब प्रशांत नील अपनी फ्रेंचाइजी बना सकें और अपनी एक नई फ्रेंचाइजी बनाकर वो कैजी एफ ओ के यश और सालार के सुपरस्टार प्रभास को एक साथ में लेकर कोई कॉम्बिनेशन बैठा सके अगर ऐसा होता है तो दोनों के फैंस प्रभास और यश के फैंस के लिए एक सौगात से कम नहीं होगा और दोनों ही फैंस दोनों के फैंस जब फिल्म देखेंगे तो ताबड़तोड़ कमाई भी करेंगी फिल्में अच्छी खास हाई भी बनाएँगे और दर्शकों द्वारा प्यार खूब लुटाएंगी प्यार लुटाएंगे साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी करते हुए नज़र आ सकती हैं जी हाँ दोस्तों प्रभास की सालार पार्ट वन मूवी के डायरेक्टर रहे प्रशांत नील काफ़ी दमदार तरीके से अदाकारी अपने डायरेक्शन का कमाल जादू दिखाते हुए नजर आते हैं फिल्मों के माध्यम से वहीं फिल्म को लिखा भी प्रशांत नील ने ही है देखा जाए तो डायरेक्शन के तौर पर तो अपनी छाप छोड़ते ही हैं और लेखन के माध्यम से भी प्रशांत नील कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अच्छी खासी तरीके से प्रशांत नील अपनी फिल्म को लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं फिल्म के डायलॉग लिखे गए हैं संदीप रेड्डी बंदला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विजय किरंगा धुर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है फिल्म के अंदर स्टार कास्ट के तौर पर आपको जाने माने चेहरे प्रभाष लीड रोल के अंदर नजर आ जाते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि उसने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया हुआ है और अच्छे खासे कलाकार अभिनेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं पृथ्वीराज सुकुमारन के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हैं ऐसा में प्रसाद पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए हैं इसके अलावा मूवी के अंदर हमें श्रुति हसन अभिनेत्री का अभिनय करते हुए और बॉबी सिम्हा जगपति बाबू श्रिया रेड्डी हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं फिल्म के सिनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो उसकी सिनेमाटोग्राफी हमें भुवन गौड़ा के द्वारा देखने के लिए मिल जाती है भुवन गौड़ा ने फिल्म के सीनेमाटोग्राफी के अंदर अच्छी खासी मेहनत की है और अच्छी खासी तरीके से फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को सक्सेसफुल बनाया है फिल्म को एडिट उज्वल कुलकरणी के द्वारा किया गया है नई मूवी फिल्म मूवी के अंदर हमें म्यूज़िक रबी बसरूर ने दिया है फ़िल्म के प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मूवी के अंदर हॉमले फिल्म्स के अंदर प्रोडक्शन कंपनी देखने के लिए मिल जाती है मूवी को 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था कहीं मूवी के हम लैंग्वेज की बात की जाए तो मूवी को तेलुगु हिंदी के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था मलयालम के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 270 करोड़ रुपए रखा गया था ऐसा में फिल्म के मेकर्स के आमने सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से फिल्म का बजट निकालें और फिल्म को सक्सेसफुल बनाएं इसीलिए आम तौर पर जब भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म रिलीज़ होती हैं तो हर भाषा में ही रिलीज़ होती हैं ताकि हर भाषा के हर क्षेत्र के लोग फिल्म देख सकें और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़ तोड़ कमाई भी कर सकें वहीं मूवी का बजट हमें 270 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आल लैंग्वेज के अंदर लगभग 700 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर कर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही और तमाम फैंस के द्वारा फिल्म को पसंद किया गया और बढ़ चढ़ कर हिस्सों में दर्शकों ने फिल्म को प्यार दिया और सिनेमाघरों तक जाकर फिल्म देखने के लिए पहुँचे फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो फिल्म की कहानी दो दोस्तों की होती है जो एक दूसरे के लिए जान भी नौछावर कर सकते हैं एक दूसरे के लिए जब भी आँच आती है तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली इस दोस्ती का अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दो दोस्त होते हैं जो कि भी कच भी कर सकते हैं फिल्म के अंदर दोस्ती के अटूट प्रेम को दिखाया गया है फिल्म के अंदर देवा है मोहई के अंदर देवा का किरदार प्रभास ने और रुद्र का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है बचपन में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराते हैं यही वजह है कि जब कोई अपने उनके दोस्ती की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखता है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं इसी वजह से इन्हें बचपन में एक दूसरे से जुदा होना पड़ा जाता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है कहानी अब आगे बढ़ती है और मूवी के अंदर अब नए नए टर्न एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं कहानी आगे बढ़ती है और दर्शक कहानी से जुड़ाव फील करने चलते हैं इतना ही नहीं साउथ के अलावा मूवी को मलयालम तेलुगू हर और हिंदी भाषा के अंदर हर जगह फिल्म को पसंद किया गया काफ़ी दिनों तक फिल्म के सिनेमा घर हाउसफुल चलने लगे और फिल्म को हर तरीके से फैलाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दबा कर किया गया फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा खासा किया गया जहां पर यश ने भी खूब भाग निभाए और संजय दत्त के प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा साथ ही संजय दत्त का कॉस्ट्यूम भी फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा जिसको पहनने उतारने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा हैवी इस गेटअप के साथ मूवी के अंदर संजय दत्त ने जो अभिनय किया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है मूवी की बात की जाए तो अब उस डायरेक्टर द्वारा उसी जोनर उसी सिनेमाटोग्राफी के अंदर बनाने की पेशकश प्रशांत नील ने पहले ही कर दी थी फिल्म का बजट हाई रखा गया था और प्रशांत नील ने जब सालार मूवी के अनाउंसमेंट की तो दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि अब इस सालार मूवी का कनेक्शन हमें कैजीएफ़ चैप्टर फर्स्ट और कैजीएफ़ चैप्टर टू से देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि प्रशांत नील ने जिस हद तक देखा जाए फिल्म को तो सालार को जिस हद तक हम देखते हैं तो फिल्म को ऐसा ही लगता है कि फिल्म कैजीएफ़ का ही पार्ट है उसी तरीके का हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के हमें विलन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके की सिनेमेटोग्राफी उसी अंदाज़ में भी फिल्म की एडिटिंग और उसी अंदाज़ में फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ कलर ग्राइंडिंग भी उसी उसी फ्रेम के अंदर रखी गई है उसी तरीके के डायलॉग हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगती है चैप्टर चैट्रोफ्ट से और सालार की कहानी हमें कुछ हद तक सिमिलर ही लगती है क्योंकि दोनों फिल्मों के अंदर माँ का किरदार है बेटा है जो माँ के कहने पर कुछ भी कर सकता है ऐसा ही किरदार हमें सालार मूवी के अंदर देखने के लिए मिलता है जो अपने दोस्त के लिए एक जान कुर्बान कर सकता है अपनी माँ के कहने पर वो हथियार त्याग देता है इस तरीके का माँ का कहना मानने वाला अपरबाज मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने अच्छी खासी मेहनत की है वहीं प्रभास से उसके फैंस थोड़े से नाखुश नजर आते हैं क्योंकि उसके डायलॉग बोलने में कुछ ज़्यादा नहीं रखे गए हैं लिमिटेड डायलॉग दिए गए हैं और उसके फैंस जो प्रभास से उम्मीद कर रहे थे अपनी बोल चाल के इस हाव भाव पे काम करने के लिए वो हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है बहरहाल हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही दर्शकों की एक और शिकायत थी कि फिल्म को एडिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि फिल्म के अंदर अंधेरा ज़्यादा था फिल्म डार्क ज़्यादा बना दी गई थी और फिल्म के सीन्स को समझने में फिल्म के दृश्य को देखने में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही ऐसे में फिल्म को समझने और फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या फैल रही और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की यह समस्या भी रही कि फिल्म के अंदर उजाला थोड़ा सा रखना चाहिए था फिल्म को एडिटिंग टेबल पर वी एफ एक्स के टाइम पर फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत की जानी चाहिए थी जो कि फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है बात करें प्रभास के किरदार की तो प्रभास का किरदार काबिल तारीफ होता है अपने उसी स्वैग और एटीट्यूड के अंदाज़ में हमें प्रभास अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं देखा जाए तो फिल्म के का जो हाइप थी वो फिल्म ने पूरा करती है लेकिन कहीं कहीं दर्शकों के दिल पर कचोट भी करते हुए नज़र आती है क्योंकि प्रभास से जो उम्मीदें थी उसके फैंस के द्वारा उसके फैंस की उम्मीदों पर प्रभास खरा नहीं उतरते हैं बल्कि प्रशांत नील की बात की जाए तो प्रशांत नील ने जो मेहनत कैशियफ़ चैप्टर फर्स्ट के अंदर की कैज़ चैप्टर टू के अंदर की वो तरह की मेहनत के साथ प्रशांत नील अपनी सालार मूवी के अंदर भी देखने के लिए मेहनत करते हुए नजर आते हैं और बेहतरीन दमदार डायरेक्शन से अपने दर्शकों को खुश करते हुए नज़र आते हैं ज्यादा दोस्तों प्रभासा के सालार फर्स्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और सिनेमाघरों के अंदर फिल्म ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन किया ऐसे में फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने या फिल्म का पार्ट टू रिलीज़ करने की घोषणा की है बहरहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसके अलावा प्रभास के फैंस हो या फिर सालार पार्ट वन के फैंस हों तो इस पार्ट टू का इंतजार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पहले ही पता था कि फ़िल्म को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर बनाएंगे जहाँ पर फिल्म का नाम पहले से ही सालार पार्ट वन रख दिया गया था अब सालार पार्ट टू हमें देखने के लिए मिलेगा सालार पार्ट वन फायर मूवी का नाम रखा गया था पार्ट टू देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर प्रभास और भी ज़्यादा खोखा अवतार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही दर्शकों द्वारा ये अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रभास के कनेक्शन, प्रभास के यानी कि सालार पार्ट टू तो मूवी के कनेक्शन हो सकता है कि हमें कै चैप्टर फर्स्ट हो या फिर कै चैप्टर टू से जुड़ते हुए दिखाई दें क्योंकि यह उम्मीद के सालार पार्ट वन से भी रखी गई थी लेकिन दर्शकों द्वारा कहीं पर भी तालमेल होता हुआ नज़र नहीं आया इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हो सकता है कि फिल्म को अच्छी खासी हाइप बनाने के लिए देखा जाए तो इन दिनों अब फ्रेंचाइजीज का ज़माना है जैसा कि हॉलीवुड के अंदर देखा जाता था फ्रेंचाइज के तौर एवेंजर्स के अंदर हमें इसका तमाम सुपर स्टार सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिल गए थे इसी तरह की क्या बॉलीवुड के अंदर भी हमें पठान टाइगर और वार मूवी की फ्रेंचाइजी भी देखने के लिए मिल गई है कॉम्बो हमें फ़िल्मों के अंदर अब देखने के लिए मिलेंगे ऐसे में दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिल्म के मेकर्स की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है क्योंकि सारे हीरोज़ के फैंस हों तो एक साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं तो सिनेमा घरों के अंदर और भी ज़्यादा मवा मजा आ जाता है और फिल्म देखने के दीवाने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं इंटरटेनमेंट का डोज ज़्यादा मिल जाता है और इंटरटेनमेंट चारों तरफ से देखने के लिए मिल जाता है ऐसे में अब हो सकता है कि प्रशांत नील दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हो सकता है कि आप प्रसात नील अपनी फ्रेंचाइजी बना सकें और अपनी एक नई फ्रेंचाइजी बनाकर वो कैज के सुपर स्टार यश और सालार की सुपर स्टार को एक साथ लेकर कोई कॉम्बिनेशन बैठा सकें अगर ऐसा होता है तो दोनों के फैंस प्रभास और सास के फैंस के लिए एक सौगात से कम नहीं होगा और दोनों ही फैंस दोनों के फैंस जब फिल्म देखेंगे तो ताबड़तोड़ तोड़ कमाई भी करेंगी फिल्में अच्छी खासे हाई भी बनाएंगी और दर्शकों द्वारा प्यार खूब लुटाएंगी प्यार लुटाएंगे साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी करते हुए नज़र आ सकती हैं जी हाँ दोस्तों प्रभास की सालार पार्ट वन मूवी के डायरेक्टर रहे प्रशांत नैल काफ़ी दमदार तरीके से अदाकारी अपने डायरेक्शन का कमाल जादू दिखाते हुए नज़र आते हैं फिल्मों के माध्यम से वहीं फिल्म को लिखा भी प्रशांत नील नहीं है देखा जाए तो डायरेक्शन के तौर पर तो अपनी छाप छोड़ते ही हैं और लेखन के माध्यम से भी प्रशांत नील कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अच्छी खासी तरीके से प्रशांत नील अपनी फिल्म को लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं फिल्म के डायलॉग लिखे गए हैं संदीप रेड्डी बंदला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विजय किरंगा धुर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है फिल्म के अंदर स्टार कास्ट के तौर पर आपको जाने माने चेहरे प्रभाष में लेड रोल के अंदर नज़र आ जाते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि उसने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया हुआ है और अच्छे खासे कलाकार अभिनेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं पृथ्वीराज सुकुमारन के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हैं ऐसे है में प्रशांत सुकुमारन ने भी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए हैं इसके अलावा मूवी के अंदर हमें श्रुति हसन अभिनेत्री का अभिनय करते हुए और बॉबी सिम्हा जगपति बाबू श्रिया रेड्डी हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं फिल्म के सैनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो सिनेमाटोग्राफी हमें भुवन गोड़ा के द्वारा देखने के लिए मिल जाती है भुवन गोड़ा ने फिल्म के सिनेमाटोग्राफी के अंदर अच्छी खासी मेहनत की है और अच्छी खासे तरीके से फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को सक्सेसफुल बनाया है फिल्म को एडिट उजवल कुलकर्णी के द्वारा किया गया है नई मूवी फिल्म मूवी के अंदर हमें म्यूज़िक रवि बसरूर ने दिया है फिल्म के प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मूवी के अंदर हॉमले फिल्म्स के अंदर प्रोडक्शन कंपनी देखने के लिए मिल जाती है मूवी को 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था मूवी के हम लैंग्वेज की बात की जाए तो मूवी को तेलुगु हिंदी के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था मलयालम के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था कि फिल्म का बजट लगभग 270 करोड़ रुपए रखा गया था ऐसा में फिल्म के मेकर्स के आमने सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से फिल्म का बजट निकालें और फिल्म को सक्सेसफुल बनाएं। इसीलिए आमतौर पर जब भी बड़े बड़े सुपर की फिल्म रिलीज़ होती हैं तो हर भाषा में ही रिलीज़ होती हैं ताकि हर भाषा के हर क्षेत्र के लोग फिल्म देख सकें और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़ तोड़ कमाई भी कर सकें वहीं मूवी का बजट हमें 270 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आल लैंग्वेज के अंदर लगभग 700 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर कर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही और तमाम फैंस के द्वारा फिल्म को पसंद किया गया और बढ़ चढ़ कर हिस्सों में दर्शकों ने फिल्म को प्यार दिया और सिनेमाघरों तक जाकर फिल्म देखने के लिए पहुँचे फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो फिल्म की कहानी दो दोस्तों की होती है जो एक दूसरे के लिए जान भी नौछवर कर सकते हैं एक दूसरे के लिए जब भी आँच आती है तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली इस दोस्ती का अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दो दोस्त होते हैं जो कि भी कच भी कर सकते हैं फिल्म के अंदर दोस्ती के अटूट प्रेम को दिखाया गया है फिल्म के अंदर देवा है मूवी के अंदर देवा का किरदार प्रभाष ने और रुद्र का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है बचपन में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराते हैं यही वजह है कि जब कोई अपने उनके दोस्ती की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखता है तो ये मरने मारने पर उतार हो जाते हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं इसी वजह से इन्हें बचपन में एक दूसरे से जुदा होना पड़ जाता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है कहानी अब आगे बढ़ती है और मूवी के अंदर अब नए नए टर्न एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं कहानी आगे बढ़ती है और दर्शक कहानी से जुड़ाव फील करने चलते हैं इतना ही नहीं साउथ के अलावा मूवी को मलयालम तेलुगू हर और हिंदी भाषा के अंदर हर जगह फिल्म को पसंद किया गया काफ़ी दिनों तक फिल्म के सिनेमा घर हाउसफुल चलने लगे और फिल्म को हर तरीके से फैलाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दबा कर किया गया फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा खासा किया गया जहां पर यश ने भी खूब भाग निभाया और संजय दत्त के प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा साथ ही संजय दत्त का कॉस्ट्यूम भी फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा जिसको पहनने उतारने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा हैवी इस गेटअप के साथ मूवी के अंदर संजय दत्त ने जो अभिनय किया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है मूवी की बात की जाए तो अब उस, उसी डायरेक्टर द्वारा उसी जोनर उसी सिनेमाटोग्राफी के अंदर बनाने की पेशकश प्रशांत नील ने पहले ही कर दी थी फिल्म का बजट हाई रखा गया था और प्रशांत नील ने जब सालार मूवी के अनाउंसमेंट की तो दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि अब इस सालार मूवी का कनेक्शन हमें कैजियफ चैप्टर फर्स्ट और कैजियफ चैप्टर टू से देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि प्रशांत नील ने जिस हद तक देखा जाए फिल्म को तो सालार को जिस हद तक हम देखते हैं तो फिल्म को ऐसा ही लगता है कि फिल्म कैजियफ का ही पार्ट है उसी तरीके का हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के हमें विलन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके की सिनेमाटोग्राफी उसी अंदाज़ में भी फिल्म की एडिटिंग और उसी अंदाज़ में फिल्म की सीनेमाटोग्राफी के साथ साथ कलर ग्राइंडिंग भी उसी उसी फ्रेम के अंदर रखी गई है। उसी तरीके के डायलॉग हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगती है कैज चेट्रोफर्स्ट से और सालार की कहानी हमें कुछ हद तक सिमिलर ही लगती है क्योंकि दोनों फिल्मों के अंदर का किरदार है बेटा है जो के कहने पर कुछ भी कर सकता है ऐसा ही किरदार हमें सालार मूवी के अंदर देखने के लिए मिलता है जो अपने दोस्त के लिए जान कुर्बान कर सकता है अपनी माँ के कहने पर हथियार त्याग देता है इस तरीके का माँ का कहना मानने वाला प्रभास मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी करते हुए नजर आते हैं जहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने अच्छी खासी मेहनत की है वहीं प्रभास से उसके फैंस थोड़े से नाखुश नजर आते हैं क्योंकि उसके डायलॉग बोलने में कुछ ज़्यादा नहीं रखे गए हैं लिमिटेड डायलॉग दिए गए हैं और उसके फैंस जो प्रभास से उम्मीद कर रहे थे अपनी बोल चाल की इस हाव भाव पे काम करने के लिए वो हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है बहरहाल हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही दर्शकों की एक और शिकायत थी कि फिल्म को एडिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि फिल्म के अंदर अंधेरा ज़्यादा था फिल्म डार्क ज़्यादा बना दी गई थी और फिल्म के सीन्स को समझने में फिल्म के दृश्य को देखने में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही ऐसे में फिल्म को समझने और फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या फैल रही और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की यह समस्या भी रही कि फिल्म के अंदर उजाला थोड़ा सा रखना चाहिए था फिल्म को एडिटिंग टेबल पर वी एफ एक्स के टाइम पर फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत की, की जानी चाहिए थी जो कि फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है बात करें प्रभास के किरदार की तो प्रभास का किरदार काबिल तारीफ होता है अपने उसी स्वैग और एटीट्यूड के अंदाज़ में हमें प्रभास अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं देखा जाए तो फ़िल्म के का जो हाइप थी वो फिल्म ने पूरा करती है लेकिन कहीं कहीं दर्शकों के दिल पर कचोट भी करते हुए नज़र आती है क्योंकि प्रभास से जो उम्मीदें थी उसके फैंस के द्वारा उसके फैंस की उम्मीदों पर प्रभास खरा नहीं उतरते हैं बल्कि प्रशांत नील की बात की जाए तो प्रशांत नील ने जो मेहनत कैज़ चैप्टर फर्स्ट के अंदर की कैज़ चैप्टर टू के अंदर की वो उसी तरह की मेहनत के साथ प्रशांत नील अपनी सालार मूवी के अंदर भी देखने के लिए मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और बेहतरीन दमदार डायरेक्शन से अपने दर्शकों को खुश करते हुए नजर आते हैं ज्यादा दोस्तों प्रभाष पा के सालार फर्स्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और सिनेमाघरों के अंदर फिल्म ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन किया ऐसे में फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का पार्ट टू रिलीज़ करने की घोषणा की है बहरहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसके अलावा फिर फिर ब्याज के फैंस हो या फिर सालार पार्ट वन के फैंस हों तो इस पार्ट टू का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पहले ही पता था कि फिल्म को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर बनाएंगे जहाँ पर फिल्म का नाम पहले से ही सालार पार्ट वन रख दिया गया था अब सालार पार्ट टू हमें देखने के लिए मिलेगा सालार पार्ट वन फायर मूवी का नाम रखा गया था पार्ट टू देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर प्रभास और भी ज़्यादा खोखा अवतार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही दर्शकों द्वारा यह अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रभास के कनेक्शन प्रभास के यानी कि सालार पार्ट टू मूवी के कनेक्शन हो सकता है कि हमें कै चैप्टर फर्स्ट हो या फिर कै चैप्टर टू से जुड़ते हुए दिखाई दें क्योंकि यह उम्मीद के सालार पार्ट वन से भी रखी गई थी लेकिन दर्शकों द्वारा कहीं पर भी तालमेल होता हुआ नज़र नहीं आया इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हो सकता है कि फिल्म को अच्छी खासी हाइप बनाने के लिए देखा जाए तो इन दिनों अब फ्रेंचाइजीज का ज़माना है जैसा कि हॉलीवुड के अंदर देखा जाता था फ्रेंचाइज के तौर एवेंजर्स के अंदर हमें का तमाम सुपर स्टार सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिल गए थे इसी तरह की क्या बॉलीवुड के अंदर भी हमें पठान टाइगर और वार मूवी की फ्रेंचाइजी भी देखने के लिए मिल गई है कॉम्बो हमें फ़िल्मों के अंदर अब देखने के लिए मिलेंगे ऐसे में दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं फिल्म के मेकर्स की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है क्योंकि सारे हीरोज़ के फ़ैन्स हों तो एक साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं तो घरों के अंदर और भी ज़्यादा मवा मज़ा आ जाता है और फिल्में देखने के दीवाने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं इंटरटेनमेंट का डोज ज़्यादा मिल जाता है और इंटरटेनमेंट चारों तरफ से देखने के लिए मिल जाता है ऐसे में अब हो सकता है कि प्रशांत नील दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हो सकता है कि अब प्रशांत नील अपनी फ्रेंचाइजी बना सकें और अपनी एक नई फ्रेंचाइजी बनाकर वो कैची एफ ओ के यश और सालार की सुपरस्टार प्रभास को एक साथ में लेकर कोई कॉम्बिनेशन बैठा सके अगर ऐसा होता है तो दोनों के फैंस प्रभास और यश के फैंस के लिए एक सौगात से कम नहीं होगा और दोनों ही फैंस दोनों के फैंस जब फिल्म देखेंगे तो ताबड़तोड़ कमाई भी करेंगी फिल्में अच्छी खास हाई भी बनाएंगी और दर्शकों द्वारा प्यार खूब लुटाएंगी प्यार लुटाएंगे साथ ही फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी करते हुए नजर आ सकती हैं जी हाँ दोस्तों प्रभास की सालार पार्ट वन मूवी के डायरेक्टर रहे प्रशांत नील काफ़ी दमदार तरीके से अदाकारी अपने डायरेक्शन का कमाल जादू दिखाते हुए नजर आते हैं फिल्मों के माध्यम से वहीं फिल्म को लिखा भी प्रशांत नील ने ही है देखा जाए तो डायरेक्शन के तौर पर तो अपनी छाप छोड़ते ही हैं और लेखन के माध्यम से भी प्रशांत नील कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अच्छी खासी तरीके से प्रशांत नील अपनी फिल्म को लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं फिल्म के डायलॉग लिखे गए हैं संदीप रेड्डी बंदला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विजय किरंगा धुर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है फिल्म के अंदर स्टार कास्ट के तौर पर आपको जाने माने चेहरे प्रभास मैं लेड रोल के अंदर नजर आ जाते हैं पृथ्वीराज सुकुमरन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि इसने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया हुआ है और अच्छे खासे कलाकार अभिनेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं पृथ्वीराज सुकुमारन के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हैं ऐसा में प्रसांत पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए हैं इसके अलावा मूवी के अंदर हमें शिरुति हसन अभिनेत्री का अभिनय करते हुए और बॉबी सिम्हा जगपति बाबू श्रिया रेड्डी हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो सिनेमाटोग्राफी हमें भुवन गौड़ा के द्वारा देखने के लिए मिल जाती है भुवन गौड़ा ने फिल्म के सिनेमाटोग्राफी के अंदर अच्छी खासी मेहनत की है और अच्छी खासे तरीके से फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को सक्सेसफुल बनाया है फिल्म को एडिट उजवअल कुलकरणी के द्वारा किया गया है नई मूवी फिल्म मूवी के अंदर हमें म्यूज़िक रबी बसरोर ने दिया है फिल्म के प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मूवी के अंदर हॉमले फिल्म्स के अंदर प्रोडक्शन कंपनी देखने के लिए मिल जाती है मूवी को 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था कहीं मूवी के हम लैंग्वेज की बात की जाए तो मूवी को तेलुगु हिंदी के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था मलयालम के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था क्योंकि फिल्म का बजट लगभग दो करोड़ रुपये रखा गया था ऐसा में फिल्म के मेकर्स के आमने सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से फिल्म का बजट निकालें और फिल्म को सक्सेसफुल बनाएं। इसीलिए आमतौर पर जब भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म रिलीज़ होती हैं तो हर भाषा में ही रिलीज़ होती हैं ताकि हर भाषा के हर क्षेत्र के लोग फिल्म देख सकें और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़ तोड़ कमाई भी कर सकें वहीं मूवी का बजट हमें 270 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आल लैंग्वेज के अंदर लगभग लग 700 लग करोड़ रुपए का कलेक्शन कर कर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही और तमाम फैंस के द्वारा फिल्म को पसंद किया गया और बढ़ चढ़ कर हिस्सों में दर्शकों ने फिल्म को प्यार दिया और सिनेमाघरों तक जाकर फिल्म देखने के लिए पहुँचे फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो फिल्म की कहानी दो दोस्तों की होती है जो एक दूसरे के लिए जान भी नौछावर कर सकते हैं एक दूसरे के लिए जब भी आँच आती है तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली इस दोस्ती का अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दो दोस्त होते हैं जो कि भी कच भी कर सकते हैं फिल्म के अंदर दोस्ती के अटूट प्रेम को दिखाया गया है फिल्म के अंदर देवा है मूवी के अंदर देवा का किरदार प्रभास ने और रुद्र का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है बचपन में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराते हैं यही वजह है कि जब कोई अपने उनके दोस्ती की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखता है तो ये मरने मारने पर उतार हो जाते हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं इसी वजह से इन्हें बचपन में एक दूसरे से जुदा होना पड़ जाता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है कहानी अब आगे बढ़ती है और मूवी के अंदर अब नए नए टर्न एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं कहानी आगे बढ़ती है और दर्शक कहानी से जुड़ाव फील करने चलते हैं इतना ही नहीं साउथ के अलावा मूवी को मालयालम तेलुगू हर और हिंदी भाषा के अंदर हर जगह फिल्म को पसंद किया गया काफ़ी दिनों तक फिल्म के सिनेमा घर हाउसफुल चलने लगे और फिल्म को हर तरीके से फैलाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दबा कर किया गया फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा खासा किया गया जहां पर यश ने भी खूब भाग निभाया और संजय दत्त के प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा साथ ही संजय दत्त का कॉस्ट्यूम भी फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा जिसको पहनने उतारने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा हैवी इस गेटअप के साथ मूवी के अंदर संजय दत्त ने जो अभिनय किया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है मूवी की बात की जाए तो अब उस, उसी डायरेक्टर द्वारा उसी जोनर उसी सिनेमाटोग्राफी के अंदर बनाने की पेशकश प्रशांत नील ने पहले ही कर दी थी फिल्म का बजट हाई रखा गया था और प्रशांत नील ने जब सालार मूवी के अनाउंसमेंट की तो दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि अब इस सालार मूवी का कनेक्शन हमें कैजियफ चैप्टर फर्स्ट और कैजियफ चैप्टर टू से देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि प्रशांत नील ने जिस हद तक देखा जाए फिल्म को तो सालार को जिस हद तक हम देखते हैं तो फिल्म को ऐसा ही लगता है कि फिल्म कैजियफ का ही पार्ट है उसी तरीके का हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के हमें विलन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके की सिनेमाटोग्राफी उसी अंदाज़ में भी फिल्म की एडिटिंग और उसी अंदाज में फिल्म की सीनेटोग्राफी के साथ साथ कलर ग्राइंडिंग भी उसी उसी फ्रेम के अंदर रखी गई हैं उसी तरीके के डायलॉग हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगती है कैज़ब चैटर फर्स्ट से और सालार की कहानी हमें कुछ हद तक सिमिलर ही लगती है क्योंकि दोनों फिल्मों के अंदर का किरदार है बेटा है जो माँ के कहने पर कुछ भी कर सकता है ऐसा ही किरदार हमें सालार मूवी के अंदर देखने के लिए मिलता है जो अपने दोस्त के लिए जान कुर्बान कर सकता है अपनी माँ के कहने पर वह हथियार त्याग देता है इस तरीके का माँ का कहना मानने वाला प्रबास मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने अच्छी खासी मेहनत की है वहीं परबास से उसके फैंस थोड़े से नाखुश नजर आते हैं क्योंकि उसके डायलॉग बोलने में कुछ ज़्यादा नहीं रखे गए हैं लिमिटेड डायलॉग दिए गए हैं और उसके फैंस जो प्रभास से उम्मीद कर रहे थे अपनी बोल चाल की इस हाव भाव पे काम करने के लिए वो हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है बहरहाल हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही दर्शकों की एक और शिकायत थी कि फिल्म को एडिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि फिल्म के अंदर अंधेरा ज़्यादा था फिल्म डार्क ज़्यादा बना दी गई थी और फिल्म के सीन्स को समझने में फिल्म के दृश्य को देखने में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही ऐसे में फिल्म को समझने और फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या फैल रही और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की यह समस्या भी रही कि फिल्म के अंदर उजाला थोड़ा सा रखना चाहिए था फिल्म को एडिटिंग टेबल पर वी एफ एक्स के टाइम पर फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत की जानी चाहिए थी जो कि फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है बात करें प्रभास के किरदार की तो प्रभास का किरदार काबिल तारीफ होता है अपने उसी स्वैग और एटीट्यूड के अंदाज़ में हमें प्रभास अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं देखा जाए तो फिल्म के का जो हाइप थी वो फिल्म ने पूरा करती है लेकिन कहीं कहीं दर्शकों के दिल पर कचोट भी करते हुए नज़र आती है क्योंकि प्रभास से जो उम्मीदें थी उसके फ़ैंस के द्वारा उसके फैंस की उम्मीदों पर प्रभास खरा नहीं उतरते हैं बल्कि प्रशांत नील की बात की जाए तो प्रशांत नील ने जो मेहनत कै जी एफ़ चैप्टर फर्स्ट के अंदर की कै जी एफ चैप्टर टू के अंदर की वो इसी तरह की मेहनत के साथ प्रशांत नील अपनी सालार मूवी के अंदर भी देखने के लिए मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और बेहतरीन दमदार डायरेक्शन से अपने दर्शकों को खुश करते हुए नज़र आते हैं जैसे दोस्तों प्रभाष पा के सालार फर्स्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और सिनेमाघरों के अंदर फिल्म ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन किया ऐसे में फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने अब फिल्म का पार्ट टू रिलीज़ करने की घोषणा की है बहरहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसके अलावा फिर फिर ब्याज के फैंस हो या फिर सालार पार्ट वन के फैंस हों तो इस पार्ट टू का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पहले ही पता था कि फ़िल्म को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर बनाएंगे जहाँ पर फिल्म का नाम पहले से ही सालार पार्ट वन रख दिया गया था अब सालार पार्ट टू हमें देखने के लिए मिलेगा सालार पार्ट वन सीजफायर मूवी का नाम रखा गया था पार्ट टू देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर प्रभास और भी ज़्यादा खोखा रतार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही दर्शकों द्वारा यह अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रभास के कनेक्शन प्रभास के यानी कि सालार पार्ट टू मूवी के कलेक्शन हो सकता है कि हमें कै चैप्टर फर्स्ट हो या फिर कै चैप्टर टू से जुड़ते हुए दिखाई दें क्योंकि यह उम्मीद के साल पार्ट वन से भी रखी गई थी लेकिन दर्शकों द्वारा कहीं पर भी तालमेल होता हुआ नज़र नहीं आया इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हो सकता है कि फिल्म को अच्छी खासी हाइप बनाने के लिए देखा जाए तो इन दिनों अब फ्रेंचाइजीज का ज़माना है जैसा कि हॉलीवुड के अंदर देखा जाता था फ्रेंचाइज के तौर एवेंजर्स के अंदर हमें इसका तमाम सुपर स्टार सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिल गए थे इसी तरह की क्या बॉलीवुड के अंदर भी हमें पठान टाइगर और वार मूवी की फ्रेंचाइजी भी देखने के लिए मिल गई है कॉम्बो हमें फ़िल्मों के अंदर अब देखने के लिए मिलेंगे ऐसे में दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं फिल्म के मेकर्स की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है क्योंकि सारे हीरोज़ के फैंस हों तो एक साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं तो घरों के अंदर और भी ज़्यादा मवा मज़ा आ जाता है और फिल्में देखने के दीवाने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं इंटरटेनमेंट का डोज ज़्यादा मिल जाता है और इंटरटेनमेंट चारों तरफ से देखने के लिए मिल जाता है ऐसे में अब हो सकता है कि प्रशांत नील दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हो सकता है कि अब प्रशांत नील अपनी फ्रेंचाइजी बना सकें और अपनी एक नई फ्रेंचाइजी बनाकर वो कैजी एफ ओ के सुपर स्टार यश और सालार के सुपर स्टार प्रभाष को एक साथ लेकर कोई कॉम्बिनेशन बैठा सके अगर ऐसा होता है तो दोनों के फ़ैंस प्रभास और यश के फैंस के लिए एक सौगात से कम नहीं होगा और दोनों ही फैंस दोनों के फैंस जब फिल्म देखेंगे तो ताबड़ तोड़ कमाई भी करेंगी फिल्में अच्छी खास हाई भी बनाएंगी और दर्शकों द्वारा प्यार खूब लुटाएंगी प्यार लुटाएंगे साथ ही फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी करते हुए नजर आ सकती हैं जी हाँ दोस्तों प्रभास की सालार पार्ट वन मूवी के डायरेक्टर रहे प्रशांत नील काफ़ी दमदार तरीके से अदाकारी अपने डायरेक्शन का कमाल जादू दिखाते हुए नजर आते हैं फिल्मों के माध्यम से वहीं फिल्म को लिखा भी प्रशांत ने नहीं है देखा जाए तो डायरेक्शन के तौर पर तो अपनी छाप छोड़ते ही हैं और लेखन के माध्यम से भी प्रशांत नील कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अच्छी खासी तरीके से प्रशांत नील अपनी फिल्म को लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं फिल्म के डायलॉग लिखे गए हैं संदीप रेड्डी बंदला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विजय किरंगा धुर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है फिल्म के अंदर स्टार कास्ट के तौर पर आपको जाने माने चेहरे प्रभास मै लीड रोल के अंदर नजर आ जाते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि इसने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया हुआ है और अच्छे खासे कलाकार अभिनेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं पृथ्वीराज सुकुमारन के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हैं ऐसा में प्रशांत पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए हैं इसके अलावा मूवी के अंदर हमें श्रुति हसन अभिनेत्री का अभिनय करते हुए और बॉबी सिम्हा जगपति बाबू श्रिया रेड्डी हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं फिल्म के सीनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो उसकी सिनेमाटोग्राफी हमें भुवन गौड़ा के द्वारा देखने के लिए मिल जाती है भुवन गौड़ा ने फिल्म के सिनेमाटोग्राफी के, के अंदर अच्छी खासी मेहनत की है और अच्छी खास तरीके से फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को सक्सेसफुल बनाया है फिल्म को एडिट है उज्वल कुलकरणी के द्वारा किया गया है नई मूवी फिल्म मूवी के अंदर हमें म्यूज़िक रवि बसरूर ने दिया है फ़िल्म के प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मूवी के अंदर हॉमले फिल्म्स के अंदर प्रोडक्शन कंपनी देखने के लिए मिल जाती है मूवी को 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था मूवी के हम लैंग्वेज की बात की जाए तो मूवी को तेलुगु हिंदी के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था मलयालम के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 270 करोड़ रुपए रखा गया था ऐसा में फिल्म के मेकर्स के आमने सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से फिल्म का बजट निकालें और फिल्म को सक्सेसफुल बनाएं। इसीलिए आम तौर पर जब भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म रिलीज़ होती हैं तो हर भाषा में ही रिलीज़ होती हैं ताकि हर भाषा के हर क्षेत्र के लोग फिल्म देख सकें और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़ तोड़ कमाई भी कर सकें वहीं मूवी का बजट हमें 270 करोड़ रुपये देखने के लिए मिला और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आल लैंग्वेज के अंदर लगभग 700 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर कर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही और तमाम फैंस के द्वारा फिल्म को पसंद किया गया और बढ़ चढ़ कर हिस्सों में दर्शकों ने फिल्म को प्यार दिया और सिनेमाघरों तक जाकर फिल्म देखने के लिए पहुँचे फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो फिल्म की कहानी दो दोस्तों की होती है जो एक दूसरे के लिए जान भी नौछावर कर सकते हैं एक दूसरे के लिए जब भी आँच आती है तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली इस दोस्ती का अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दो दोस्त होते हैं जो कि भी कच भी कर सकते हैं फिल्म के अंदर दोस्ती के अटूट प्रेम को दिखाया गया है फिल्म के अंदर देवा है मूवी के अंदर देवा का किरदार प्रभास ने और रुद्र का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है बचपन में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराते हैं यही वजह है कि जब कोई अपने उनके दोस्ती की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखता है तो ये मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं इसी वजह से इन्हें बचपन में एक दूसरे से जुदा होना पड़ा जाता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है कहानी अब आगे बढ़ती है और मूवी के अंदर अब नए नए टर्न एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं कहानी आगे बढ़ती है और दर्शक कहानी से जुड़ाव फील करने चलते हैं इतना ही नहीं साउथ के अलावा मूवी को मलयालम तेलुगू हर और हिंदी भाषा के अंदर हर जगह फिल्म को पसंद किया गया काफ़ी दिनों तक फिल्म के सिनेमा घर हाउसफुल चलने लगे और फिल्म को हर तरीके से फैलाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दबा कर किया गया फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा खासा किया गया जहां पर यश ने भी खूब भाग निभाया और संजय दत्त के प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा साथ ही संजय दत्त का कॉस्ट्यूम भी फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा जिसको पहनने उतारने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा हैवी इस गेटअप के साथ मूवी के अंदर संजय दत्त ने जो अभिनय किया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है मूवी की बात की जाए तो अब उसी डायरेक्टर द्वारा उसी जोनर उसी सिनेमाटोग्राफी के अंदर बनाने की पेशकश प्रशांत नील ने पहले ही कर दी थी फिल्म का बजट हाई रखा गया था और प्रशांत नील ने जब सालार मूवी के अनाउंसमेंट की तो दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि अब इस सालार मूवी का कनेक्शन हमें कैजीएफ़ चैप्टर फर्स्ट और कैजीएफ़ चैप्टर टू से देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि प्रशांत नील ने जिस हद तक देखा जाए फिल्म को तो सालार को जिस हद तक हम देखते हैं तो फिल्म को ऐसा ही लगता है कि फिल्म कैजीएफ़ का ही पार्ट है उसी तरीके का हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के हमें विलन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके की सिनेमेटोग्राफी उसी अंदाज़ में भी फिल्म की एडिटिंग और उसी अंदाज़ में फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ कलर ग्राइंडिंग भी उसी उसी फ्रेम के अंदर रखी गई है उसी तरीके के डायलॉग हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगती है चैप्टर चट्रोफ से और सालार की कहानी हमें कुछ हद तक सिमिलर ही लगती है क्योंकि दोनों फिल्मों के अंदर माँ का किरदार है बेटा है जो माँ के कहने पर कुछ भी कर सकता है ऐसा ही किरदार हमें सालार मूवी के अंदर देखने के लिए मिलता है जो अपने दोस्त के लिए जान कुर्बान कर सकता है अपनी माँ के कहने पर वह हथियार त्याग देता है इस तरीक़े का माँ का कहना मानने वाला अपरबाज मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी करते हुए नजर आते हैं जहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने अच्छी खासी मेहनत की है वहीं प्रभास से उसके फैंस थोड़े से नाखुश नज़र आते हैं क्योंकि उसके डायलॉग बोलने में कुछ ज़्यादा नहीं रखे गए हैं लिमिटेड डायलॉग दिए गए हैं और उसके फैंस जो प्रभास से उम्मीद कर रहे थे अपनी बोल चाल के इस हाव भाव पे काम करने के लिए वो हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है बहरहाल हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही दर्शकों की एक और शिकायत थी कि फिल्म को एडिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि फिल्म के अंदर अंधेरा ज़्यादा था फिल्म डार्क ज़्यादा बना दी गई थी और फिल्म के सीन्स को समझने में फिल्म के दृश्य को देखने में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही ऐसे में फिल्म को समझने और फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या फैल रही और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की यह समस्या भी रही कि फिल्म के अंदर उजाला थोड़ा सा रखना चाहिए था फिल्म को एडिटिंग टेबल पर वी एफ एक्स के टाइम पर फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत की जानी चाहिए थी जो कि फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है बात करें प्रभास के किरदार की तो प्रभास के किरदार काबिल तारीफ होता है अपने उसी स्वैग और एटीट्यूड के अंदाज़ में हमें प्रभास अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं देखा जाए तो फिल्म के का जो हाइप थी वो फिल्म ने पूरा करती है लेकिन कहीं कहीं दर्शकों के दिल पर कचोट भी करते हुए नज़र आती है क्योंकि प्रभास से जो उम्मीदें थी उसके फैंस के द्वारा उसके फैंस की उम्मीदों पर प्रभास खरा नहीं उतरते हैं बल्कि प्रशांत नील की बात की जाए तो प्रशांत नील ने जो मेहनत कैशियफ़ चैप्टर फर्स्ट के अंदर की कैज़ चैप्टर टू के अंदर की वो उसी तरह की मेहनत के साथ प्रशांत नील अपनी सालार मूवी के अंदर भी देखने के लिए मेहनत करते हुए नजर आते हैं और बेहतरीन दमदार डायरेक्शन से अपने दर्शकों को खुश करते हुए नज़र आते हैं ज्यादा दोस्तों प्रभासा के सालार फर्स्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और सिनेमाघरों के अंदर फिल्म ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन किया ऐसे में फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने या फिल्म का पार्ट टू रिलीज़ करने की घोषणा की है बहरहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसके अलावा प्रभास के फैंस हो या फिर सालार पार्ट वन के फैंस हों तो इस पार्ट टू का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पहले ही पता था कि फ़िल्म को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर बनाएंगे जहाँ पर फिल्म का नाम पहले से ही सालार पार्ट वन रख दिया गया था अब सालार पार्ट टू हमें देखने के लिए मिलेगा सालार पार्ट वन फायर मूवी का नाम रखा गया था पार्ट टू देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर प्रभास और भी ज़्यादा खोखा अवतार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही दर्शकों द्वारा यह अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रभास के कनेक्शन प्रभास के यानी कि सालार पार्ट टू तो मूवी के कनेक्शन हो सकता है कि हमें कै चैप्टर फर्स्ट हो या फिर कै चैप्टर टू से जुड़ते हुए दिखाई दें क्योंकि यह उम्मीद कि सालार पार्ट वन से भी रखी गई थी लेकिन दर्शकों द्वारा कहीं पर भी तालमेल होता हुआ नज़र नहीं आया इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हो सकता है कि फिल्म को अच्छी खासी हाइप बनाने के लिए देखा जाए तो इन दिनों अब फ्रेंचाइजीज का ज़माना है जैसा कि हॉलीवुड के अंदर देखा जाता था फ्रेंचाइज के तौर एवेंजर्स के अंदर हमें का तमाम सुपर स्टार सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिल गए थे इसी तरह की क्या बॉलीवुड के अंदर भी हमें पठान टाइगर और वार मूवी की फ्रेंचाइजी भी देखने के लिए मिल गई है कॉम्बो हमें फिल्मों के अंदर अब देखने के लिए मिलेंगे ऐसे में दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिल्म के मेकर्स की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है क्योंकि सारे हीरोज़ के फैंस हों तो एक साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं तो सिनेमा घरों के अंदर और भी ज़्यादा मवा मजा आ जाता है और फिल्म देखने के दीवाने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं इंटरटेनमेंट का डोज ज़्यादा मिल जाता है और इंटरटेनमेंट चारों तरफ से देखने के लिए मिल जाता है ऐसे में अब हो सकता है कि प्रशांत नील दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हो सकता है कि अपरसात नील अपनी फ्रेंचाइजी बना सकें और अपनी एक नई फ्रेंचाइजी बनाकर वो कैज के सुपर स्टार और सालार के सुपर स्टार को एक साथ में लेकर कोई कॉम्बिनेशन बैठा सकें अगर ऐसा होता है तो दोनों के फैंस प्रभास और यस के फैंस के लिए एक सौगात से कम नहीं होगा और दोनों ही फैंस दोनों के फैंस जब फिल्म देखेंगे तो ताबड़तोड़ तोड़ कमाई भी करेंगी फिल्में अच्छी खासी हाई भी बनाएंगी और दर्शकों द्वारा प्यार खूब लुटाएंगी प्यार लुटाएंगे साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी करते हुए नज़र आ सकती हैं जी हाँ दोस्तों प्रभास की सालार पार्ट वन मूवी के डायरेक्टर रहे प्रशांत नील काफ़ी दमदार तरीके से अदाकारी अपने डायरेक्शन का कमाल जादू दिखाते हुए नज़र आते हैं फिल्मों के माध्यम से वहीं फिल्म को लिखा भी प्रशांत नील नहीं है देखा जाए तो डायरेक्शन के तौर पर तो अपनी छाप छोड़ते ही हैं और लेखन के माध्यम से भी प्रशांत नील कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अच्छी खासे तरीके से प्रशांत नील अपनी फिल्म को लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं फिल्म के डायलॉग लिखे गए हैं संदीप रेड्डी बंदला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विजय किरंगा धुर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है फिल्म के अंदर स्टार कास्ट के तौर पर आपको जाने माने चेहरे प्रभाष मै लेड रोल के अंदर नज़र आ जाते हैं पृथ्वीराज तो सुकुमारन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि उसने अपने क्षेत्र में अच्छे खासा काम किया हुआ है और अच्छे खासे कलाकार अभिनेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं पृथ्वीराज सुकुमारन के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हैं ऐसे में प्रसांत सुकुमारन ने भी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दी है इसके अलावा मूवी के अंदर हमें श्रुति हसन अभिनेत्री का अभिनय करते हुए और बॉबी सिम्हा जगपति बाबू श्रिया रेड्डी हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं फिल्म के सीनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो सीनेमाटोग्राफी हमें भुवन गोड़ा के द्वारा देखने के लिए मिल जाती है भुवन गोड़ा ने फिल्म के सिनेमाटोग्राफी के अंदर अच्छी खासी मेहनत की है और अच्छी खासे तरीके से फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को सक्सेसफुल बनाया है फिल्म को एडिट उजवल कुलकर्णी के द्वारा किया गया है नई मूवी फिल्म मूवी के अंदर हमें म्यूज़िक रवि बसरूर ने दिया है फिल्म के प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मूवी के अंदर हॉमले फिल्म्स के अंदर प्रोडक्शन कंपनी देखने के लिए मिल जाती है मूवी को 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था मूवी के हम लैंग्वेज की बात की जाए तो मूवी को तेलुगू हिंदी के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था मलयालम के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 270 करोड़ रुपए रखा गया था ऐसा में फिल्म के मेकर्स के आमने सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से फिल्म का बजट निकालें और फिल्म को सक्सेसफुल बनाएं। इसीलिए आमतौर पर जब भी बड़े बड़े सुपर की फिल्म रिलीज़ होती हैं तो हर भाषा में ही रिलीज़ होती हैं ताकि हर भाषा के हर क्षेत्र के लोग फिल्म देख सकें और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़ तोड़ कमाई भी कर सकें वहीं मूवी का बजट हमें 270 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आल लैंग्वेज के अंदर लगभग लग 700 लग करोड़ रुपए का कलेक्शन कर कर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही और तमाम फैंस के द्वारा फिल्म को पसंद किया गया और बढ़ चढ़ कर हिस्सों में दर्शकों ने फिल्म को प्यार दिया और सिनेमाघरों तक जाकर फिल्म देखने के लिए पहुँचे फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो फिल्म की कहानी दो दोस्तों की होती है जो एक दूसरे के लिए जान भी नौछावर कर सकते हैं एक दूसरे के लिए जब भी आँच आती है तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली इस दोस्ती का अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दो दोस्त होते हैं जो कि भी कच भी कर सकते हैं फिल्म के अंदर दोस्ती के अटूट प्रेम को दिखाया गया है फिल्म के अंदर देवा है मूवी के अंदर देवा का किरदार प्रभाष ने और रुद्र का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है बचपन में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराते हैं यही वजह है कि जब कोई अपने उनके दोस्ती की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखता है तो ये मरने मारने पर उतार हो जाते हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं इसी वजह से इन्हें बचपन में एक दूसरे से जुदा होना पड़ जाता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है कहानी अब आगे बढ़ती है और मूवी के अंदर अब नए नए टर्न एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं कहानी आगे बढ़ती है और दर्शक कहानी से जुड़ाव फील करने चलते हैं इतना ही नहीं साउथ के अलावा मूवी को मलयालम तेलुगू हर और हिंदी भाषा के अंदर हर जगह फिल्म को पसंद किया गया काफ़ी दिनों तक फिल्म के सिनेमा घर हाउसफुल चलने लगे और फिल्म को हर तरीके से फैलाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दबा कर किया गया फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा खासा किया गया जहां पर यश ने भी खूब भाग निभाया और संजय दत्त के प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा साथ ही संजय दत्त का कॉस्ट्यूम भी फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा जिसको पहनने उतारने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा हैवी इस गेटअप के साथ मूवी के अंदर संजय दत्त ने जो अभिनय किया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है मूवी की बात की जाए तो अब उस उसी डायरेक्टर द्वारा उसी जोनर उसी सिनेमाटोग्राफी के अंदर बनाने की पेशकश प्रशांत नील ने पहले ही कर दी थी फिल्म का बजट हाई रखा गया था और प्रशांत नील ने जब सालार मूवी के अनाउंसमेंट की तो दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि अब इस सालार मूवी का कनेक्शन हमें कैजियफ चैप्टर फर्स्ट और कैजियफ चैप्टर टू से देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि प्रशांत नील ने जिस हद तक देखा जाए फिल्म को तो सालार को जिस हद तक हम देखते हैं तो फिल्म को ऐसा ही लगता है कि फिल्म कैजियफ का ही पार्ट है उसी तरीके का हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के हमें विलन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके की सिनेमाटोग्राफी उसी अंदाज़ में भी फिल्म की एडिटिंग और उसी अंदाज़ में फिल्म की सीनेमाटोग्राफी के साथ साथ कलर ग्राइंडिंग भी उसी उसी फ्रेम के अंदर रखी गई हैं उसी तरीके के डायलॉग हमें फ़िल्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगती है क्या जब फर्स्ट से और सालार की कहानी हमें कुछ हद तक सिमिलर ही लगती है क्योंकि दोनों फिल्मों के अंदर माका किरदार है बेटा है जो माँ के कहने पर कुछ भी कर सकता है ऐसा ही किरदार हमें सालार मूवी के अंदर देखने के लिए मिलता है जो अपने दोस्त के लिए जान कुर्बान कर सकता है अपनी माँ के कहने पर हथियार त्याग देता है इस तरीके का माँ का कहना मानने वाला प्रभास मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी करते हुए नजर आते हैं जहाँ पर फिल्म के मेकरस ने अच्छी खासी मेहनत की है वहीं प्रभास से उसके फैंस थोड़े से नाखुश नजर आते हैं क्योंकि उसके डायलॉग बोलने में कुछ ज़्यादा नहीं रखे गए हैं लिमिटेड डायलॉग दिए गए हैं और उसके फैंस जो प्रभास से उम्मीद कर रहे थे अपनी बोल चाल की इस हाव भाव पे काम करने के लिए वो हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है बहरहाल हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही दर्शकों की एक और शिकायत थी कि फ़िल्म को एडिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि फिल्म के अंदर अंधेरा ज़्यादा था फिल्म डार्क ज़्यादा बना दी गई थी और फिल्म के सीन्स को समझने में फिल्म के दृश्य को देखने में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही ऐसे में फिल्म को समझने और फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या फैल रही और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की यह समस्या भी रही कि फिल्म के अंदर उजाला थोड़ा सा रखना चाहिए था फिल्म को एडिटिंग टेबल पर वी एफ एक्स के टाइम पर फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत की जानी चाहिए थी जो कि फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है बात करें प्रभास के किरदार की तो प्रभास का किरदार काबिल तारीफ होता है अपने उसी स्वैग और एटीट्यूड के अंदाज़ में हमें प्रभास अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं देखा जाए तो फिल्म के का जो हाइप थी वो फिल्म ने पूरा करती है लेकिन कहीं कहीं दर्शकों के दिल पर कचोट भी करते हुए नज़र आती है क्योंकि प्रभास से जो उम्मीदें थी उसके फ़ैंस के द्वारा उसके फैंस की उम्मीदों पर प्रभास खरा नहीं उतरते हैं बल्कि प्रशांत नील की बात की जाए तो प्रशांत नील ने जो मेहनत कै जी एफ चैप्टर फर्स्ट के अंदर की कै जी एफ चैप्टर टू के अंदर की वो उसी तरह की मेहनत के साथ प्रशांत नील अपनी सालार मूवी के अंदर भी देखने के लिए मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और बेहतरीन दमदार डायरेक्शन से अपने दर्शकों को खुश करते हुए नजर आते हैं ज्यादा दोस्तों प्रभास पा के सालार फर्स्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और सिनेमाघरों के अंदर फिल्म ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन किया ऐसे में फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने फिल्म का पार्ट टू रिलीज़ करने की घोषणा की है बहरहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसके अलावा फिर फिर ब्याज के फैंस हो या फिर सालार पार्ट वन के फैंस हों तो इस पार्ट टू का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पहले ही पता था कि फिल्म को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर बनाएंगे जहाँ पर फिल्म का नाम पहले से ही सालार पार्ट वन रख दिया गया था अब सालार पार्ट टू हमें देखने के लिए मिलेगा सालार पार्ट वन फायर मूवी का नाम रखा गया था पार्ट टू देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर प्रभास और भी ज़्यादा खोखा रतार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही दर्शकों द्वारा यह अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रभास के कनेक्शन प्रभास के यानी कि सालार पार्ट टू मूवी के कनेक्शन हो सकता है कि हमें कै चैप्टर फर्स्ट हो या फिर कै चैप्टर टू से जुड़ते हुए दिखाई दें क्योंकि यह उम्मीद के साल पार्ट वन से भी रखी गई थी लेकिन दर्शकों द्वारा कहीं पर भी तालमेल होता हुआ नज़र नहीं आया इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हो सकता है कि फिल्म को अच्छी खासी हाइप बनाने के लिए देखा जाए तो इन दिनों अब फ्रेंचाइजीज का ज़माना है जैसा कि हॉलीवुड के अंदर देखा जाता था फ्रेंचाइज के तौर एवेंजर्स के अंदर हमें इसका तमाम सुपर स्टार सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिल गए थे इसी तरह की क्या बॉलीवुड के अंदर भी हमें पठान टाइगर और वार मूवी की फ्रेंचाइजी भी देखने के लिए मिल गई है कॉम्बो हमें फ़िल्मों के अंदर अब देखने के लिए मिलेंगे ऐसे में दर्शक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं फिल्म के मेकर्स की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है क्योंकि सारे हीरोज़ के फ़ैन्स हों तो एक साथ फिल्म देखने के लिए पहुंचते हैं तो घरों के अंदर और भी ज़्यादा मवा मज़ा आ जाता है और फिल्में देखने के दीवाने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फील कर पाते हैं इंटरटेनमेंट का डोज ज़्यादा मिल जाता है और इंटरटेनमेंट चारों तरफ से देखने के लिए मिल जाता है ऐसे में अब हो सकता है कि प्रशांत नील दोनों फिल्मों के डायरेक्टर हो सकता है कि अब प्रशांत नील अपनी फ्रेंचाइजी बना सकें और अपनी एक नई फ्रेंचाइजी बनाकर वो कैची एफ ओ के सुपर स्टार यश और सालार की सुपर स्टार प्रभाष को एक साथ में लेकर कोई कॉम्बिनेशन बैठा सके अगर ऐसा होता है तो दोनों के फैंस प्रभास और यश के फैंस के लिए एक सौगात से कम नहीं होगा और दोनों ही फैंस दोनों के फैंस जब फिल्म देखेंगे तो ताबड़ तोड़ कमाई भी करेंगी फिल्में अच्छी खास हाई भी बनाएंगी और दर्शकों द्वारा प्यार खूब लुटाएंगी प्यार लुटाएंगे साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन भी करते हुए नजर आ सकती हैं जी हाँ दोस्तों प्रभास की सालार पार्ट वन मूवी के डायरेक्टर रहे प्रशांत नैल काफ़ी दमदार तरीके से अदाकारी अपने डायरेक्शन का कमाल जादू दिखाते हुए नजर आते हैं फिल्मों के माध्यम से वहीं फिल्म को लिखा भी प्रशांत नील ने ही है देखा जाए तो डायरेक्शन के तौर पर तो अपनी छाप छोड़ते ही हैं और लेखन के माध्यम से भी प्रशांत नील कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अच्छी खासी तरीके से प्रशांत नील अपनी फिल्म को लिखते हैं और डायरेक्ट करते हैं फिल्म के डायलॉग लिखे गए हैं संदीप रेड्डी बंदला हनुमान चौधरी और डॉक्टर सूरी के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विजय किरंगा धुर के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है फिल्म के अंदर स्टार कास्ट के तौर पर आपको जाने माने चेहरे प्रभास मैं लेड रोल के अंदर नजर आ जाते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन हमें देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि उसने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा काम किया हुआ है और अच्छे खासे कलाकार अभिनेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं पृथ्वीराज सुकुमारन के फैंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे हैं ऐसा में प्रसांत पृथ्वीराज सुकुमारन ने भी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई दिए हैं इसके अलावा मूवी के अंदर हमें शिरुती हसन अभिनेत्री का अभिनय करते हुए और बॉबी शिमहा जगपति बाबू श्रिया रेड्डी हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं फिल्म के सैनेमाटोग्राफी की बात की जाए तो उसकी सिनेमाटोग्राफी हमें भुवन गौड़ा के द्वारा देखने के लिए मिल जाती है भुवन गौड़ा ने फिल्म के सिनेमाटोग्राफी के अंदर अच्छी खासी मेहनत की है और अच्छी खासे तरीके से फिल्म की सिनेमाटोग्राफी को सक्सेसफुल बनाया है फिल्म को एडिट उजवअल कुलकरणी के द्वारा किया गया है नई मूवी फिल्म मूवी के अंदर हमें म्यूज़िक रबी बसरूर ने दिया है फिल्म के प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो फिल्म के प्रोडक्शन कंपनी मूवी के अंदर हॉमले फिल्म्स के अंदर प्रोडक्शन कंपनी देखने के लिए मिल जाती है मूवी को 22 दिसंबर 2023 को रिलीज़ किया गया था कहीं मूवी के हम लैंग्वेज की बात की जाए तो मूवी को तेलुगु हिंदी के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था मलयालम के अंदर एक साथ ही रिलीज़ किया गया था क्योंकि फिल्म का बजट लगभग 270 करोड़ रुपए रखा गया था ऐसा में फिल्म के मेकर्स के आमने सामने चुनौती थी कि वो किस तरीके से फिल्म का बजट निकालें और फिल्म को सक्सेसफुल बनाएं। इसीलिए आमतौर पर जब भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म रिलीज़ होती हैं तो हर भाषा में ही रिलीज़ होती हैं ताकि हर भाषा के हर क्षेत्र के लोग फिल्म देख सकें और बॉक्स ऑफिस पर ताबड़ तोड़ कमाई भी कर सकें वहीं मूवी का बजट हमें 270 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आल लैंग्वेज के अंदर लगभग लग 700 लग करोड़ रुपए का कलेक्शन कर कर मूवी ब्लॉकबस्टर साबित रही और तमाम फैंस के द्वारा फिल्म को पसंद किया गया और बढ़ चढ़ कर हिस्सों में दर्शकों ने फिल्म को प्यार दिया और सिनेमाघरों तक जाकर फिल्म देखने के लिए पहुँचे फिल्म की कहानी के ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो फिल्म की कहानी दो दोस्तों की होती है जो एक दूसरे के लिए जान भी नौछावर कर सकते हैं एक दूसरे के लिए जब भी आँच आती है तो अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली इस दोस्ती का अभिनय करते हुए फिल्म के अंदर दो दोस्त होते हैं जो कि भी कच भी कर सकते हैं फिल्म के अंदर दोस्ती के अटूट प्रेम को दिखाया गया है फिल्म के अंदर देवा है मूवी के अंदर देवा का किरदार प्रभास ने और रुद्र का किरदार पृथ्वीराज सुकुमारन ने निभाया है बचपन में एक दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं कतराते हैं यही वजह है कि जब कोई अपने उनके दोस्ती की तरफ आंख टेढ़ी करके भी देखता है तो ये मरने मारने पर उतार हो जाते हैं और दोस्ती के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं इसी वजह से इन्हें बचपन में एक दूसरे से जुदा होना पड़ जाता है अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ माँ को एक जगह से दूसरी जगह पर डर और छिपकर रहना पड़ता है कहानी अब आगे बढ़ती है और मूवी के अंदर अब नए नए टर्न एंड ट्विस्ट देखने के लिए मिलते हैं कहानी आगे बढ़ती है और दर्शक कहानी से जुड़ाव फील करने चलते हैं इतना ही नहीं साउथ के अलावा मूवी को मलयालम तेलुगू हर और हिंदी भाषा के अंदर हर जगह फिल्म को पसंद किया गया काफ़ी दिनों तक फिल्म के घर हाउसफुल चलने लगे और फिल्म को हर तरीके से फैलाया गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी दबा कर किया गया फिल्म का प्रमोशन भी अच्छा खासा किया गया जहां पर यश ने भी खूब भाग निभाया और संजय दत्त के प्रमोशन का तरीका थोड़ा अलग था तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा साथ ही संजय दत्त का कॉस्ट्यूम भी फिल्म के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा जिसको पहनने उतारने में काफ़ी टाइम लगता था और काफ़ी ज़्यादा हैवी इस गेटअप के साथ मूवी के अंदर संजय दत्त ने जो अभिनय किया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है और काफ़ी ज़्यादा शानदार रहता है मूवी की बात की जाए तो अब उस, उसी डायरेक्टर द्वारा उसी जोनर उसी सिनेमाटोग्राफी के अंदर बनाने की पेशकश प्रशांत नील ने पहले ही कर दी थी फ़िल्म का बजट हाई रखा गया था और प्रशांत नील ने जब सालार मूवी के अनाउंसमेंट की तो दर्शकों के बीच में कहीं ना कहीं यह उम्मीद थी कि अब इस सालार मूवी का कनेक्शन हमें कैजियफ चैप्टर फर्स्ट और कैजियफ चैप्टर टू से देखने के लिए मिलने वाला है क्योंकि प्रशांत नील ने जिस हद तक देखा जाए फिल्म को तो सालार को जिस हद तक हम देखते हैं तो फिल्म को ऐसा ही लगता है कि फिल्म कैजियफ़ का ही पार्ट है उसी तरीके का हमें सीन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके के हमें विलन देखने के लिए मिलते हैं उसी तरीके की सिनेमाटोग्राफी उसी अंदाज़ में भी फिल्म की एडिटिंग और उसी अंदाज में फिल्म की सीनेमाटोग्राफी के साथ साथ कलर ग्राइंडिंग भी उसी उसी फ्रेम के अंदर रखी गई हैं उसी तरीके के डायलॉग हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलते हैं और देखा जाए तो फिल्म की कहानी भी कुछ हद तक हमें सिमिलर ही लगती है कैजप चैटरफर्स्ट से और सालार की कहानी हमें कुछ हद तक सिमिलर ही लगती है क्योंकि दोनों फिल्मों के अंदर का किरदार है बेटा है जो माँ के कहने पर कुछ भी कर सकता है ऐसा ही किरदार हमें सालार मूवी के अंदर देखने के लिए मिलता है जो अपने दोस्त के लिए जान कुर्बान कर सकता है अपनी माँ के कहने पर वह हथियार त्याग देता है इस तरीके का माँ का कहना मानने वाला प्रबाज मूवी के अंदर बेहतरीन अदाकारी करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर फिल्म के मेकर्स ने अच्छी खासी मेहनत की है वहीं परबास से उसके फैंस थोड़े से नाखुश नजर आते हैं क्योंकि उसके डायलॉग बोलने में कुछ ज़्यादा नहीं रखे गए हैं लिमिटेड डायलॉग दिए गए हैं और उसके फैंस जो प्रभास से उम्मीद कर रहे थे अपनी बोल चाल की इस हाव भाव पे काम करने के लिए वो हमें फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है बहरहाल हमें एक्शन भरपूर देखने के लिए मिलता है साथ ही दर्शकों की एक और शिकायत थी कि फिल्म को एडिटिंग पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था क्योंकि फिल्म के अंदर अंधेरा ज़्यादा था फिल्म डार्क ज़्यादा बना दी गई थी और फिल्म के सीन्स को समझने में फिल्म के दृश्य को देखने में दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही ऐसे में फिल्म को समझने और फिल्म को देखने में काफ़ी ज़्यादा समस्या फैल रही और काफ़ी ज़्यादा दर्शकों की यह समस्या भी रही कि फिल्म के अंदर उजाला थोड़ा सा रखना चाहिए था फिल्म को एडिटिंग टेबल पर वी के टाइम पर फिल्म के अंदर अच्छी खासी मेहनत की जानी चाहिए थी जो कि फिल्म के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती है बात करें प्रभास के किरदार की तो प्रभास का किरदार काबिल तारीफ होता है अपने उसी स्वैग और एटीट्यूड के अंदाज़ में हमें प्रभास अपनी बेहतरीन अदाकारी करते हुए फिल्म के अंदर दिखाई देते हैं देखा जाए तो फिल्म के का जो हाइप थी वो फिल्म ने पूरा करती है लेकिन कहीं कहीं दर्शकों के दिल पर कचोट भी करते हुए नज़र आती है क्योंकि प्रभास से जो उम्मीदें थी उसके फ़ैंस के द्वारा उसके फैंस की उम्मीदों पर प्रभास खड़ा नहीं उतरते हैं बल्कि प्रशांत नील की बात की जाए तो प्रशांत नील ने जो है मेहनत कै जी एफ़ चैप्टर फर्स्ट के अंदर की कै जी एफ चैप्टर टू के अंदर की वो इसी तरह की मेहनत के साथ प्रशांत नील अपनी सालार मूवी के अंदर भी देखने के लिए मेहनत करते हुए नज़र आते हैं और बेहतरीन दमदार डायरेक्शन से अपने दर्शकों को खुश करते हुए नज़र आते हैं ज्यादा दोस्तों प्रभास पा के सालार फर्स्ट को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया और सिनेमाघरों के अंदर फिल्म ने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस भी कलेक्शन किया ऐसा में फिल्म की सफलता के बाद फिल्म के मेकर्स ने अब फिल्म का पार्ट टू रिलीज़ करने की घोषणा की है बहरहाल अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है इसके अलावा फिर फिर ब्याज के फैंस हो या फिर सालार पार्ट वन के फैंस हों तो इस पार्ट टू का इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि फिल्म के मेकर्स को पहले ही पता था कि फ़िल्म को हम कई पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर कर बनाएंगे जहाँ पर फिल्म का नाम पहले से ही सालार पार्ट वन रख दिया गया था अब सालार पार्ट टू हमें देखने के लिए मिलेगा सालार पार्ट वन सीजफायर मूवी का नाम रखा गया था पार्ट टू देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर प्रबास और भी ज़्यादा खोखा अवतार के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं साथ ही दर्शकों द्वारा यह अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि प्रबास के कनेक्शन प्रभास के यानी कि सालार पार्ट टू मूवी के कनेक्शन हो सकता है कि हमें कै एफ़ चैप्टर फर्स्ट हो या फिर कै एफ़ चैप्टर टू से जुड़ते हुए दिखाई दें क्योंकि यह उम्मीद के साल पार्ट वन से भी रखी गई थी लेकिन दर्शकों द्वारा कहीं पर भी तालमेल होता हुआ नज़र नहीं आया इसके अलावा पार्ट टू के अंदर हो सकता है कि फिल्म को अच्छी खासी हाइप बनाने के लिए देखा जाए तो इन दिनों अब फ्रेंचाइजीज का ज़माना है जैसा कि हॉलीवुड के अंदर देखा जाता था फ्रेंचाइज के तौर एवेंजर्स के अंदर हमें इसका तमाम सुपर स्टार सुपर हीरोज़ देखने के लिए मिल गए थे इसी तरह की क्या बॉलीवुड के अंदर भी हमें पठान टाइगर